एक मिनट बेटा, बस एक मिनट रुक जाओ बस। ये बेटा आज हम करेंगे हर सिमरन, आज ही करेंगे हमारे। ठीक है, जग जगजीत कौर ओके। लिंक सेंड कर दूंगा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके, सॉरी 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 सॉरी, मेरे से वॉइस ऑन नहीं हुई थी। ओके ओके ओके। सो मैंने श्रुति ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर वाटर वेपर जो है ऐड होने के कारण डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो किसी बच्चे को पता हो क्या फर्क पड़ता है वाटर वेपर को जब हम ऐड करते हैं डेंसिटी में? बताओ। ड्राई जो एयर होती है वो ज्यादा डेंस होती है या मतलब मॉइस्ट एयर? व्हाई Why moist air is more dense than dry air? या उल्टा क्यों है? Why moist air is less dense than heavy होती है? तो let us discuss this thing first. Let me presentation देखने तो मेरे को कहाँ पे है ये वाली। फर्स्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये हमने पढ़ा था साउंड में, ठीक है ना? तो हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। गुड क्वेश्चन श्रुति। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ बेटा,
तो यस, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेरे से पूछो सर कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, इसमें और था साउंड वाला, कहाँ, क्या, दिस इज नॉट द स्लाइड। Should be हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा डेंसिटी पे, ये बताओ। अगर कोई चीज वाटर वेपर होएंगे उसमें, तो वो चीज डेंस होएगी या वो चीज लेस डेंस होएगी? लेस डेंस कैसी होगी, संकेत बताओ। कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ, यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ था, स्पीड ऑफ साउंड ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीज कैसे होगी, ये बताओ शुभम या अरविंद। ये देखो, यहाँ मैंने पढ़ा ना, स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेस एज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर, वाई, बिकॉज द ड्राई एयर इज मच मोर डेंस। ठीक है, डेंस क्यों होती है, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन था उसका। अरे डेंस क्यों होएगी बेटा, या मॉइस्ट एयर लेस डेंस क्यों होगी, इसको ऐसे समझो पहले। लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे। हमने बोला था कि जो गैस होती है, गैसेस होती है, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें इस तरह से करके, ठीक है, हमें पता होता है कि गैस मॉलिक्यूल एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, ठीक, एक यहां पड़ा है, ठीक है ना, ये ऐसे है, इनका बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। तो ये ड्राई एयर का, अभी नॉर्मली ये ड्राई एयर है, दिस इज ड्राई एयर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें वाटर वेपर डाल दूंगा, वाटर वेपर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसको इसका क्या बढ़ा देंगे, वॉल्यूम। जब स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे इसके बीच बीच में जा जाके, तो और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और दूर चले जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, आवाज नहीं आ रही बेटा, हेलो, आवाज आ रही है ऑल ओके बच्चों? ओके, तो जितना जितना जब अब इसमें वाटर वेपर डाल रही है, ड्राई एयर है, ड्राई एयर में अभी मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इसमें वाटर वेपर आ रहे हैं बेटा, वो इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस बढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस बढ़ेंगे, तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, समझ रहे हो। अगर ये ड्राई एयर है, अगर इसकी डेंसिटी सपोज 1.5 है सपोज, ठीक है ना, ठीक है, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब उसी वॉल्यूम ऑफ एयर में अगर मैं वाटर वेपर भी जोड़ देता हूं, वाटर वेपर का वॉल्यूम भी जोड़ देता हूं, तो वॉल्यूम बढ़ गया ज्यादा। जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, इस तरह से भी समझ सकते हो कि भाई अगर मैं वाटर वेपर ला रहा हूं, वाटर वेपर इसमें ऐड हो रहे हैं, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे यहां जहां के बीच बीच में आगे, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस और बढ़ जाएगा, ठीक है। आप YouTube पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिनको बेटा ये प्रॉब्लम आ रही है, YouTube पे भी लेक्चर लाइव चल रहा है बेटा, सबको सुन रहा है YouTube वालों, और यू, अनु, लड्डी, अलविन, विजय, आकाश, ठीक चल रहा है बेटा, तो शेयर कर लो लिंक ग्रुप में, ठीक है। ओके, अब ये बात समझ लग गई बेटा कि जब गैस में अगर आप वहां पे वाटर वेपर डाल दो के जो पहले स्पेस ऑक्यूपाइंग कर रहे थे, तो अब क्या आएगा, स्पेस का जो वॉल्यूम है उसमें क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है उसमें ऑक्यूपाई, वाटर वेपर भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है बेटा, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई यहाँ पे आप चीज लिख भी सकते हो, ठीक है, दैट इज वाई डेंस, सॉरी, ड्राई एयर इज मोर डेंस
than moist air. ठीक है, सॉरी एयर, डन. ठीक है, दिस इज बिकॉज मॉइस्ट एयर कंटेन्स मोर वाटर वेपर. ठीक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहां ऊपर लिख देता हूं, वाटर वेपर. ठीक है, which increases the overall volume of the air water vapor combined. Okay. यस यस, वेरी गुड श्रुति. ठीक है ना, तो ऑल्सो इट ऑल्सो देयर इज ऑल्सो जो बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा वो ज्यादा बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेम गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन इंक्रीजेस. ये समय लगा बेटा. ठीक है, गुड मॉर्निंग अमनदीप, विकास, पाहुल. कोई बात नहीं बेटा, ज्वाइन कर लो, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लो. श्रुति जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और आई वेरी लाइक अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछो बेटा, दैट्स वेरी गुड कि अगर आप इस तरह से सोचते हो तो आप बहुत बढ़िया, आप पेपर को साइंस वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो. ठीक है, क्योंकि कई बार बेटा मैं हर चीज को उतने अच्छे से डिटेल में नहीं करवा पाता, तो अगर आप वो पूछोगे तो मच बेटर है. अब आपको समय लग गया बेटा, श्रुति एवरीथिंग ओके कि कुछ और समझना बेटा? तो ये देखो कि स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो लेस होती है ड्राई एयर में. वाई? बिकॉज अब ड्राई एयर में लेस क्यों होती है साउंड, क्योंकि बेटा इसमें जितने पार्टिकल्स है वो एक तरह से रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं, रोड़े की तरह एक्ट कर रहे हैं, किसके लिए? साउंड पार्टिकल्स के लिए. और हमने बोला कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड की साउंड कम होती है बेटा. ठीक है ना, ओके डन. अगर मैं एक डीजे को एक कमरे में कर रहा हूं जहां पे बहुत सारे पर्दे लगे हैं, तो आप बाहर थोड़ी कम ही आवाज आएगी. ठीक है ना, इसीलिए डीजे को आप ओपन में रखते हो ताकि ज्यादा आवाज आए. ठीक है ना, वो साउंड अब्सॉर्ब कम हो. ठीक है जी, उसी तरह से मॉइस्ट एयर में क्या होता है कि डीजे अच्छा सुनाई देता है या डीजे कम मतलब अच्छा से उसके सुनार सुनाई देता है. बैक साइड क्या करना, बैक साइड क्या किसका, तो प्रेशर तो सेम ही रहेगा, इसमें प्रेशर का क्या कंसेप्ट आ गया भाई, प्रेशर तो सेम ही है. वी आर टॉकिंग एट द सेम टेम्परेचर. मॉइस्ट एयर कंटेन्स मॉइस्ट एयर इज लेस डेंस एज कंपेयर टू बैकस्लाइड. बैकस्लाइड कौन सी, इससे पीछे करूं एक स्लाइड, तो संकेत जी हम एक ही टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है कि मॉइस्ट एयर एट सेम टेम्परेचर प्रेशर जो होता है मॉइस्ट एयर में कंटेन्स इट इज लेस डेंस एज कंपेयर टू और एज कंपेयर टू ड्राई एयर, बिकॉज ड्राई एयर इज कंपोज्ड ऑफ द सेम काइंड ऑफ मटेरियल. आप मास को ऐड कर रहे हो बेटा, यू आर नॉट एडिंग द वॉल्यूम ऑल्सो. आप सोचते हो कि बस वाटर वेपर मींस दे आर हैवियर और इसके कारण उसका जो ओवरऑल डेंसिटी शुड बी हायर, ऐसा सोचना गलत है बेटा. दीज आर सम ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ फिजिक्स, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखो, क्योंकि वाटर वेपर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है, मास कम होता है. तो अगर आप वॉल्यूम ही ज्यादा एड कर रहे हो एयर के सेम पार्सल ऑफ एयर में, सेम क्वांटिटी ऑफ एयर में अगर आप और वॉल्यूम एड कर दोगे तो उसकी ओवरऑल डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, यू आर एडिंग ओनली द मास, यू आर नॉट एडिंग द वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर वेपर का, इसीलिए तो हल्के होते हैं. खुद सोचो, वाटर वेपर इज नथिंग एल्स जो नीचे से उड़ के गया ऊपर. यस, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीज, ओवरऑल डेंसिटी. इसी तरह की बात, ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल, ये नहीं कि एयर की बात कर रहा हूं, ओवरऑल एयर की बात कर रहा हूं. ठीक है, थैंक यू श्रुति.
सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछने चाहिए आपको. दैट्स गुड. आवाज नहीं आ रही रवीना, तो एक बार दूसरी चेक कर लो, दूसरी जगह से व्हाट्सएप पे या इसी को रिफ्रेश कर लो बेटा. बाकियों को आ रही आवाज बेटा? ओके. सो आज हम बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन और भी आया था कि सर रिवर्बिरेशन क्या होना था. हमने यहीं पे छोड़ा था लास्ट टाइम. एक हमने इससे पहले चीज पढ़ी थी, एको. याद है एको? किसी ने हमने पढ़ा था एको, गूंज जिसको बोलते हैं या प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं. क्या कंडीशन होती है प्रतिध्वनि की, कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए बताओ. आज क्लास बेटा आपकी थोड़ी लंबी चलेगी, तो प्लीज बियर विद मी. ठीक है? ओके. या वेरी गुड. 344 मीटर्स. नहीं, 344 मीटर्स नहीं बेटा. एटलीस्ट अगर आपको मिनिमम चाहिए तो 34.4 मीटर होना चाहिए एट 20 डिग्री टेम्परेचर. ओके, अगर हम एयर में बात कर रहे हैं. वेरी गुड. 34.4 इज टू वे. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये वाला एक्सपेरिमेंट, जब मैंने बताया था कि अगर आप एक वॉल के वॉल आपने खड़े किया है, ठीक है ना, और वॉल से आपका डिस्टेंस शुड एटलीस्ट बी 17.2, ताकि यहां से जब जैसे जा रही है तो 17.2 जाने में लगेगा, 17.2 आने में लगेगा. तो एको के लिए आपको सुनने के लिए जैसे कि कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर्स. ठीक है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट जो कि रिफ्लेक्ट करता है और आप में. अगर मैं इसके आगे जा रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? क्या मेरे को प्रतिध्वनि सुनाई देगी? नहीं. वेरी गुड. तो मैं जितना पास जाऊंगा मेरे को प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी. क्यों नहीं देगी बेटा? क्योंकि एको के लिए मिनिमम डिस्टेंट एट 20 डिग्री टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल एयर में कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर्स. ओके, डन. ओके, तो ये होती है प्रतिध्वनि. हम पढ़ पाढ़ के आए थे. और एक हमने एक और बात की थी यहाँ की कम से कम कितना टाइम चाहिए होता है प्रतिध्वनि के लिए, हमारे ईयर को 2 बजे ना सुनाई दे इसके लिए कम से कम टाइम इंटरवल होता है 0.1 सेकेंड, 1/10, 1 सेकेंड का 1/10वां हिस्सा. ठीक है, डन. ओके, तो इतना. अगर इससे ज्यादा है तो आपको क्या होएगा, या इससे कम है तो क्या होएगा ये बताओ. लेट मी शो यू, यहाँ पे लिखा होगा, मैंने कैलकुलेशन भी की थी. वेट वेट वेट. हाँ ये देखो, वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड एको सेपरेटली ओनली इफ द टाइम इंटरवल इज इतना. ठीक है, एटलीस्ट इतना टाइम इंटरवल होना चाहिए. ठीक है ना, अगर इससे ज्यादा होगा तो आपको क्या होगा, या कम होगा तो क्या होगा? कम होगा तो सुनाई नहीं देगा. यस, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे कम करोगे डेसो नो एको विल बी देयर. वेरी गुड गुड गुड. वॉइस तो सुनेगी बट एको नहीं सुनाई देगी बेटा, टू डिस्टिंक्ट वॉइसेस नहीं सुनाई देगी. ओके, सो नाउ वी मूव टू, दिस इज एको. एको उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एकोस में बताया था कि एकोस की फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होनी चाहिए. समझ नहीं आएगा. वेरी गुड उत्तराखंड. ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट. दो चीजों, दो आवाजों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. ओके, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रिवर्बिरेशंस. व्हाट इज रिवर्बिरेशन? पर्सिस्टेंस ऑफ द साउंड. ठीक है ना, पर्सिस्टेंस ऑफ द साउंड क्या होता है? रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती हैं. ठीक है ना, इसका मतलब एक्को ही होती है एक तरह की. बट क्या होती है कि एक्को जब बहुत सारी एक्कोस मिलके एक एक वो बनाती है ना, क्या कहते हैं, एक साउंड सा बनाती है. जो ये जीसस के बैलेट्स गाते हैं, याद है ये जो चर्चेस में गाते होते थे, गाते भी हैं और ये करते हैं, जीसस की जो कोरस, कोरस बोलते हैं हम कोरस उसको. ठीक है ना, कोरस सिंगिंग बोलते हैं. तो जब एक ही टोन पे हाई पिच में जा रहे होते हैं तो आप ध्यान से देखना जो उसकी कर्व्ड होती है वॉल्स. ठीक है ना, एक तो कर्व्ड होती है वॉल्स चर्चेस की, तो इससे क्या होता है साउंड रिवर्बिरेट करता है. रिवर्बिरेट मतलब एकोस भी आपस में मिल जाती है. जब बहुत सारी एकोस आपस में मिल जाएंगी तो वो बहुत अच्छा एक साउंड इफेक्ट कोर्स करती है. ठीक है ना, ओके. ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इन द बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ वॉल्स सीलिंग्स फ्लोर ऑफ द हॉल इज नोन एज रिवर्बिरेशन.
ठीक है। तो जितना ज्यादा रिवर्बिरेशन होगा, आपने देखा होगा बहुत बड़ा, जैसे वो एक गोल गुंबद ले लो, ठीक है ना, जैसे ये है ना साउथ इंडिया में हैदराबाद में गोल गुंबद है एक, ठीक है ना, उसमें आप नीचे ऐसे ताली मारोगे ना तो तालियों की एको हर 5 मिनट तक चलती रहेगी, टक 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 सुनाई देती रहेगी, सुनाई देती रहेगी, ठीक है ना। तो वो हो क्या रहा है कि एको सारी आपस में मिलकर दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है, दोबारा रिफ्लेक्ट हो जा रही है हर एक एंगल पे। यस, मॉस्क्स में होता है ये, वेरी गुड। जहां पे गुंबद लगा होता है ना, ऊपर से गुंबद बना होता है क्या, तो वहां पे साउंड बहुत रिफ्लेक्ट होता है हर एक एंगल पे। तो आप नीचे से ऐसे तारी मारोगे, यहाँ तो जल्दी अब्सॉर्ब हो जाती है ना, वहां पे क्या होगा कि हर एंगल पे टकरा के आपको एको सुनाई देगी उसकी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिवर्बरेशन। अगर आपको आवाज एक बार सुनाई दे रही है, दैट इज एको। अगर वो रिफ्लेक्ट हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, यस। पहाड़ी एरियाज में भी आपने देखा था पुरानी फिल्मों में, जब वो एक्टर बोलाता था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाता होता था, हाय सीता कीता, ऐसे ऐसे करके, तो वो 3 4 5 बार रिपीट होती थी बातें, है ना। तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशंस, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज होती है। अगर ये रिवर्बरेशंस ज्यादा टाइम रहे, इफ द रिवर्बरेशन इज फॉर टू लॉन्ग, चंपा सौरभ गुड, तो देन द साउंड बिकम्स ब्लर्ड डिस्टॉर्टेड, ठीक है। तो वो डिस्टॉर्टेड क्या होता है कि अगर ये तो एक ये इफेक्ट अच्छी बात है, ये इफेक्ट कॉन्सर्ट्स में देखने को आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जो इनडोर क्लो कॉन्सर्ट्स होते हैं, जैसे कि मतलब जो अंदर ऑडिटोरियम्स में होते हैं, वहां पे ये इफेक्ट आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर ये रिवर्बरेशन ज्यादा टाइम रहे, तो आप अगर मैं गाना गा रहा हूं तो मैं चौथे पांचवी लाइन पे पहुंच गया हूं, तो गाने का जब मेरा पहली बार ही रिपीट हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, है ना। बंदों को समझ नहीं आएगा बंदा क्या कर रहा है और पीछे आवाज क्या आ रही है गूंजती रहेगी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा गूंजना भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए वहां पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया जाता है। ध्यान से रखना, जो आपके ऑडिटोरियम होंगे कॉलेज के, या आपने बहुत बड़ा हॉल देखा होगा, उसमें ना वो प्लास्टिक की लगाई जाती है, जो होती है ना कवरिंग सी लगाई जाती है, प्लास्टिक प्लास्टिक की कवरिंग होती इसलिए होती है, और कर्टन इसलिए लगाए जाते हैं, दे आर गुड साउंड एब्जॉर्बर्स, ताकि वो रिफ्लेक्ट ना करे साउंड को, वो अब्सॉर्ब करे। लग रहे समझ बेटा? ओके ठीक है। तो जितना ज्यादा आपने ये मटेरियल लगाया होगा, प्लास्टिक वाले साइड में दीवारों में प्लास्टिक लगाया होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपकी साउंड एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, बाहर नहीं जाती, ठीक है। ओके, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, दीज आर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो इस तरह से कोई आपको फोटो देखने को मिलेगी, जो अच्छे वाले ऑडिटोरियम्स होते हैं उसमें ये वाले लगे होते हैं, देखो मशरूम, ये मशरूम जो जैसे नहीं, मशरूम की तरह, ठीक है ना। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बहुत ज्यादा एको ना आए। देखो ये गोल गुंबद सा नहीं लग रहा आपको, गोल गुंबद सा ये सारा, तो यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड नहीं शो हो रही बेटा। ओके, तो ये बहुत सारी आपको स्लाइड, ये देखो गोल गुंबद सा, यहाँ पे बहुत मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगी, बट ये पैनल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अब्सॉर्ब कर पाए, ठीक है ना। ओके, सॉफ्ट, जितने सॉफ्ट मटेरियल होगा, जैसे मैंने आपको बताया गत्ता होता है, या मतलब आपका जो ये प्लास्टिक का कवरिंग होती है, ठीक है ना, जो आपकी ये मशीन में भी आता है, मशीन के जब आप नई मशीन खोलते हो उसको साइड में प्लास्टिक्स रखा जाता है ना, वो इसीलिए ताकि ये वो अब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, शॉक को। इसीलिए ये साउंड एब्जॉर्बिंग का काम भी करते हैं। जितना भी साउंड पोरस मटेरियल होगा कोई, जितना भी कोई ये हैवी कर्टन होगा, तो ये कर्टन इसलिए लगाए जाते हैं बेटा ताकि ये साउंड को एब्सॉर्ब कर पाए। यस यस यस, ठीक है बेटा, चलें आगे। सो दिस वर रिवर्बरेशंस, हमने साउंड के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, एको के बारे में हमने नेसेसरी थिंग्स पढ़ी है, ठीक है। नाउ मूव मूव ऑन टू, हाँ ठीक है, ठीक चला अब यूट्यूब वालों, इट्स ओके। ओके चलो आगे चलते हैं, वी मूव ऑन टू गुंबद नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग। तो हमारे पास साउंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि
जैसे हमने वो भी पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तब मैंने आपको बताया था कि होता है अल्ट्रावायलेट होती है, वायलेट भी होती है, रेड भी होती है, फिर इंफ्रारेड होती है। इन सब में से सबसे ज्यादा किसकी होगी वेवलेंथ? इंफ्रारेड की। वेरी गुड अमित, बाकी भी बोला करो। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की सबसे कम रेडिएशन, जो सबसे कम वेवलेंथ होएगी, वो इसीलिए इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है बेटा। दैट इज वाई जो आपका लेजर होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है ना, नॉट ब्लू कलर, बिकॉज उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी, ठीक है ना। चलो, उसी तरह जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफेक्ट था, उसी तरह हमारे पास होता है हियरिंग इन ह्यूमंस, ठीक है ना। तो वी कैन हियर इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, इतनी फ्रिक्वेंसी के बीच में हमारे को सुनाई देता है। तो जो 20,000 से ऊपर वाला होगा वो कौन सी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी? अल्ट्रा अल्ट्रा सोनिक, ठीक है ना। जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो होगी इंफ्रा सोनिक। तो इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, समझ लग गई बेटा? उत्तरा टेंडन बेटा, यू कैन ऑल्सो गो जॉइन यूट्यूब ऑल्सो, वहां पे सबको ठीक आ रहा है, ठीक है, ओके बेटा, डन। तो जितनी कम आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वी से दे आर इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक। इंफ्रा मतलब छोटा, हमेशा जो छोटा होएगा वो होगा इंफ्रासोनिक, ठीक है, ओके। अब आप इसको इस तरह से समझो, वेवलेंथ ज्यादा थी इंफ्रारेड की, मैंने अभी आपसे पूछा है ना, आपने बताया कि इंफ्रारेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कंपैरेटिवली स्मॉल, ठीक है ना। तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल उसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसको, यस, इंफ्रासोनिक, यस, बहुत बढ़िया संकेत। जो कंजूरिंग होती है वो उसमें छोटा ना छोटा छोटा साउंड ऐसे करके आपको दिया जाता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ताकि वो जो आप हॉरर मूवीज देखते होगे, किसी ने कॉन्जूरिंग देखी होगी, है ना, किसी ने मामा देखी होगी, ठीक है ना। तो वो ये जो पापी गुड़िया है, मतलब हमारे यहाँ पे पापी गुड़िया है, ठीक है ना, तो पापी गुड़िया भी देखी होगी, तो उनको आपको पता होगा एनाबेल, है ना। तो वो जो ये सारे जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं, इनके जो अंदर के साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, मतलब कहने का मतलब डिस्टिंक्टली वही सुनाई देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वो भूत आ रहा है धीरे 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 धीरे, आपको उस तरह से आपको सब लिम लिम ही ना ऐसे करके आपके मतलब आवाज दी जाती है ताकि आपको डर लगे, ठीक है ना, यस, लाइक ओशन इफेक्ट, ठीक है। दीज आर ऑल इंफ्रासोनिक साउंड्स, दीज आर वेरी लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक तो आपको बारे में बता दिया मैंने, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी, ओके। अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, कई बार आ ना आपको सिर्फ महसूस होता है, अर्थक्वेक की भी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि यही चीज हो रही है वहां पे भी, हिलाई जा रहा है ना नीचे नीचे हिला, जो ऐसे करके अर्थक्वेक्स आते हैं वो भी इंफ्रासोनिक होते हैं, ठीक है। बहुत सारी एलिफेंट्स, इवन राइनासोरस, दे प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, जो हमें सुनाई नहीं देता बट वो खुद उनको सुनाई देता है, ठीक है। तो वी हैव डन दिस, और जो स्क्रीम करती है, ये बैट्स जो होती हैं, ये स्क्रीम करती हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इनकी 20,000 से ज्यादा होती है, तो ये अल्ट्रासाउंड से मूव करती हैं। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी भेजती है? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, लग गया समझ? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है इनकी, डन। ये भी हमें सुनाई नहीं देती। अब हमें करना क्या है, हमें पढ़ना है इनके फायदे। अल्ट्रासाउंड का क्या फायदा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, सॉरी, अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या फायदा है दूसरी, और इंफ्रासोनिक वेव्स का क्या फायदा है? 1 मिनट, ये पता नहीं क्या हो गया, 1 मिनट। एक मिनट,
हाँ जी, तो वी नाउ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है और ये इसकी यूजेस कहाँ करते हैं। यस, एग्जाम्पल याद रहती है बेटा। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली इट्स नोन एज, ये फ्रिक्वेंसी किसमें कौन सी यूज होती है, इसमें अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी यूज होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी में हम इसकी फ्रिक्वेंसी किससे ज्यादा होगी, 20,000 से ज्यादा होगी, इसी को तभी हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। और जो हम अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी में, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो एक फ्रिक्वेंसी जो कि 1 लाख हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होती है, हम उसको बोलते हैं कौन सी, कौन सा साउंड है ये, अल्ट्रासाउंड। तो जब मैं अल्ट्रासोनिक की बात कर रहा हूं, तो मैं 20,000 से कोई भी ऊपर वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ, यूएस की बात कर रहा हूं, तो उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 1 लाख के करीब। ठीक है जी, 1 लाख से ऊपर। तो इसका जो होता है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, ये स्टार्ट होती है वो 1 लाख से ऊपर की स्टार्ट होती है अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, ओके। हमने साउंड्स के बारे में पढ़ा कि साउंड जैसे नॉर्मल वेव्स होती हैं, जैसे हम स्लाइट वेव्स की बात करते आए थे, तो वो भी रिफ्लेक्ट होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी, इसी तरह से साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड्स की जो एनर्जी है ये भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, यस, वेरी गुड। अल्ट्रासोनिक यस 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 बेटा, अभी उसको सनार बोलते हैं, सोनार, हम अभी बात करेंगे उसके बारे में गुलशन। तो अल्ट्रासाउंड का बेसिक काम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई अल्ट्रासाउंड बेसिकली वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी, ऑफ कोर्स, गॉट इट, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम उसकी सॉरी फ्रिक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। डन बेटा, ओके। सो यूजुअली क्या होता है कि इसको कहाँ यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को, अल्ट्रासाउंड को इसका हमारा दो तरह से यूज करते हैं इसको, मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और हम करते हैं यूज इसको डिटेक्शन करने के लिए, कहाँ पे, क्रैक्स की डिटेक्शन करने के लिए, मेटल ब्लॉक्स में, विदाउट डैमेजिंग देम। सोचो अगर एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है, एरोप्लेन में आपको पता है कि कितनी बार वो ऊपर उठता है उतनी बार नीचे, कितनी बार ऊपर उठता है और नीचे उठता है ना, तो जितना भी बार ये ऊपर नीचे ऊपर उठ के नीचे आता है, तो हर बार इसके ऊपर मेटल के ऊपर ना फटीक हो जाता है, मेटल फटीक बोलते हैं उसको। मेटल फटीक का मतलब होता है कि छोटे छोटे माइन्यूट से, आपको देखने को नहीं लगेगा कि इसमें क्रैक है, पर वो छोटे छोटे से ना मेटल के अंदर ही क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी डिटेक्शन करने के लिए हर 6 महीने बाद एक एरोप्लेन को मतलब सर्विस किया जाती है उसकी, जैसे एक हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना हर साल के बाद, तो उस तरह हर 5 या 6 महीने बाद इसकी इंस्पेक्शन होती है जहाज की, क्योंकि वो मेटल का बना होता है, तो मेटल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जितना जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है, तो आप सोचो बाहर कितना टेम्परेचर है और आप अंदर बैठे होते हो, तो एक प्रेशर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है, तो जो मेटल है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। जब ये बहुत ज्यादा साइकल्स हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं कुछ, ठीक है, जो हमें आंख में लगाने, हमें आंख से दिखाई नहीं देंगे, हमें नहीं दिखाई देगा कि मेटल क्रैक हो रहा है, बट अंदर से वो क्रैक होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली जब उन्होंने ये टेस्ट किए, तो उनको लगा कि वो क्रैक डेवलप हो रहे हैं भाई। तो उन क्रैक की डिटेक्शन को क्या, कौन सी चीज यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। ये देखो कैसे करते हैं, इसके लिए भी फोटो है मेरे पास, ये देखो, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी वेव्स है, साउंड एनर्जी है, ठीक है, ये साउंड एनर्जी किसकी है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एनर्जी, ठीक है ना। तो जैसे ये अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर मैंने यहां पे रखा, सॉरी, अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर मैंने यहां रखा, ठीक है, अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर रखा मैंने यहां पे डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और यहां से आ रही है मेरी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, मैंने मशीन इधर को लगाई है, और ये है एक मेटल, मेटल का ब्लॉक है बहुत बड़ा, ठीक है। तो अगर तो इसमें कोई क्रैक नहीं है, जहां तो इसमें कोई क्रैक नहीं है, वो तो सारी की सारी जितनी यहाँ पे राइट रेस जा रही है, साउंड रेस जा रही है, वो दूसरी जगह अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, हमने दूसरी तरह डिटेक्टर लगाया जो बता रहा है कि भाई डिटेक्ट हो रही है। अगर इसमें ये क्रैक डेवलप हो रहा है जो हमें आंख से तो नहीं दिख रहा,
बट इसमें क्रैक है। अब क्रैक होएगा तो उसमें हवा जाएगी, ठीक है, और हवा से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास नहीं करती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये क्रैक, ये यहाँ पे ऊपर जा रही है, यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ की इस यहाँ पे कहीं पे इसके क्रैक डेवलप हो रहा है। तो बहुत सारी जो शिप्स होती हैं आपके, जो बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, उनमें भी अल्ट्रासाउंड से ही डिटेक्ट किया जाता है कि कितना भाई ये है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, या कितनी इसमें प्रॉब्लम आगे जाके क्रैक डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका सबसे प्रोमिनेंट, जो प्रोमिनेंट यूज है अल्ट्रासाउंड का, वो ये चीज होती है, टू चेक क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक्स, ठीक है। तो विदाउट डैमेज किए हुए हम ये बता सकते हैं कि ये जो लोहा है या ये जो मेटल है, ये खराब है कि नहीं खराब है, ठीक है जी। डन बेटा, चले आगे। ओके, ये तो इसका यूज आपने सबने देखा होगा, क्रैक से बेटा। क्रैक से इसलिए नहीं हुई क्योंकि क्रैक में गैप होता है ना, गैप में एयर होती है और एयर से पास नहीं करता अल्ट्रासाउंड, ठीक है। किसी को अल्ट्रासाउंड की वीडियो देखनी होगी तो मैं आई विल शेयर विद द ग्रुप। उसमें क्या होता है, एक छोटा सा ऐसे करके होता है, ठीक है ना, गोल सा एक ट्रांसड्यूसर सरफेस होता है, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है ना। इसके ऊपर से साउंड वेव्स जाती हैं, उसको अगर आप पानी में लेके जाओगे ना बेटा तो आपको दिखाई देगी, अगर मैं हवा में दिखाई दे, दिखाई नहीं देती हो, ठीक है ना, तो ना डेवलप होती है। यस यस यस, वेरी गुड मुस्कान। तो जो जो बच्चा होने वाला होता है, तो उसका जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है या होती है मोस्टली, तो वो क्या करती है, क्या यूज करती है, अल्ट्रासाउंड यूज करती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कोई भी हानिकारक वेव्स नहीं होती है। इसीलिए इसीलिए जब अगर किसी लड़के, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर उनको एक्सरे कराना पड़ता है, तो बाहर लिख के लगाया होता है हर हॉस्पिटल में कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो हमें बताओ, ठीक है ना, हम आपका एक्सरे नहीं करेंगे या उसको मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है ना, या स्क्रीम लगा के करते हैं, उसको जेल बोलते हैं ना, अल्ट्रासोनिक जेल। तो ये चीजें आप देखो, फर्क क्या आ गया, वो लाइट रेस थी, वो किरणें थी, ठीक है ना, वो किरणें जो होती हैं या रेडिएशन जो होती हैं, वो बेबी के लिए हानिकारक होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि भाई आपको वहां पे बड़ा बड़ा लिख के लगाया जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो प्लीज अपना एक्सरे मत करवाओ। पानी ठीक है बेटा, समय लगी। यस, जल नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा बेटा, क्योंकि इसको ट्रांसमिट करने के लिए, साउंड एनर्जीज को ट्रांसमिट करने के लिए आपको एक जेल का, लिक्विड का मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो पानी भी हो तब भी चल पड़ेगा, बट जेल की कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। किसका रीजन क्या है बेटा बलजीत, किसका रीजन पूछ रहे हो? एवरीबॉडी ओके ओके। जल का रीजन इसलिए होता है बेटा क्योंकि एक ट्रांस, ताकि अगर एयर होएगी, अगर आप सिंपल लगाओगे, मैं अपने हाथ पे अल्ट्रासाउंड लगा रहा हूँ ऐसे करके, तो मेरे और हाथ के बीच में अल्ट्रासाउंड के जो हेड है और इसके बीच में गैप आ गया, जितना मर्जी इसको क्लोज करने के जाऊं, पूरी तरह क्लोज तो नहीं होगा ना। सोचो इसके अगर मैं जेल लगा दी है, तो जेल लगा के आप बीच में लगाने जाते हो, तो जितनी विकिरणें अंदर से निकल रही है, जितनी साउंड एनर्जी के अंदर से निकल रही है, वो अंदर के आपके अंदर जा रही है। डन बेटा ओके। तो इसीलिए एयर गैप्स जहां पे होंगे वहां पे आपका अल्ट्रासाउंड नहीं जाएगा और एयर क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने ये आपको स्लाइड दिखाई थी, देखा कि यहाँ पे गैप बन जाएगा, जैसे एयर इसमें अंदर चले, कहीं पे भी गैप होगा वहां पे एयर होगी बेटा, है ना, तो यहाँ पे एयर चले जाएगी। तो आप इसका जब करोगे अल्ट्रासाउंड, तो आप अंदर से पता लगा लोगे कि भाई कि क्या यहाँ पे गैप है कि नहीं है, ठीक है। अरे वो बेटा डायग्नोस्टिक होता है, जरूरी नहीं होता है कि ये उसमें प्रेशर बढ़ाने के लिए बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं ताकि जितना पानी पियोगे उतना, जब ये कब कराते हैं, जब आपको उनके टेस्ट कराने होते हैं, आपका एब्डोमेन चेक करना होता है, ताकि जितना पानी पियोगे उतना ज्यादा वो रिफ्लेक्शन करेगा और उतनी ज्यादा आपका अच्छी फोटो आएगी अल्ट्रासाउंड में। डन, यूरिनरी ब्लैडर की। ओके
पता चला पानी को भी जाना पीते हैं ताकि आपकी फोटो अच्छी आए। किस में अच्छी फोटो आए? अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड कहाँ अच्छा ट्रेवल करता है? लिक्विड मीडियम में। ओके डन। और अब आपको पता समझ लग रहा हुआ था जब मैंने बोला था कि स्पीड ऑफ क्या कहते हैं स्पीड ऑफ हेलो सोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के दो यूजेज होते हैं। देखो अल्ट्रासाउंड के दो यूजेज होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है थेरापोटिक। थेरापोटिक हम यूज करते हैं जब आपको चोट लग जाती है तो आपको कई बार डॉक्टर बोलाता है कि अल्ट्रासाउंड यूज करके आओ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड यूज करने से हीलिंग भी जल्दी होती है। एक होता है डायग्नोस्टिक, जो आप बेबी का फोटो खींचने में, बेबी का देखने में कि कैसी है उसका, कैसी ग्रोथ हो रही है फीटस की, उसको यूजने में करना, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, इसको बोलते हैं थेरापोटिक अल्ट्रासाउंड। ओके डन। दो तरह के अल्ट्रासाउंड आते हैं हमारे पास, ठीक है जी। बट इतना नहीं आपको करना, आपको बस इतना यूज पता होना चाहिए कि ये जो है बेबी की फोटो खींचने में यूज करते हैं इसमें, और हम जिनका बेबी के हेल्थ को चेक करने के लिए हम कोई भी एक्सरे नहीं कर सकते हैं, कोई भी हम क्या कहते हैं एमआरआई नहीं कर सकते हैं, सीटी स्कैन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सिर्फ बेबी की हेल्थ देखने के लिए आप ये चेक करते हो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। ओके, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है बेटा। ओके ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखो, अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ओके, सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, यूटरस एंड हार्ट। तो हम आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन चेक कर सकते हैं कहां से, क्योंकि हर ऑर्गन में एक तरह से हम बोले तो हर ऑर्गन की ब्लड सप्लाई होती है, हर ऑर्गन में लिक्विड होता है हमारे, इसीलिए लिक्विड जहां पे होगा आप उसकी फोटो खींच सकते हो, ठीक है जी, डन। ये इतना बढ़िया तरीका, और इसका कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। यस, होता है, और अमनदीप कौर बहुत यूज होता है बेटा, जो एथलीट्स होते हैं उनको जब इंजरी हो जाती है तो उनको अल्ट्रासाउंड लगाया जाता है ताकि वो हील ज्यादा कर सके, ठीक है, पेशेंट्स को भी बहुत यूज करते हैं। एक और इसका यूज आया जो अभी नया यूज आया है, वो इसका यूज है जो आपको पथरी नहीं हो जाती पंजाबी में, आप इसको पथरी बोलते हो कि आप डॉक्टर साहब मेरे को पथरी होगी, है ना, किडनी में पथरीज होगी या यहाँ पे पथरी होगी, किडनी गॉल स्टोन्स, है ना, या जो भी आप बोलते हो इसको, है ना, किडनी स्टोन्स, तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज करना स्टार्ट हो गया अल्ट्रासाउंड का, बहुत इफेक्टिव है। वैसे तो लोग कहते हैं कि जितना बियर पियो उतनी जल्दी खुलता है वो डॉक्टर ने मेरे को बियर पीने के लिए बोला है, तो ये जरूरी नहीं है, पानी पीना होगा तब भी उतना ही जल्दी खड़ा होगा, खारा सोडा पियोगे तब भी उतनी जल्दी ही ठीक होगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है, चले आगे। ओके, तो एक चीज और यहाँ पे रहेगी, इकोकार्डियोग्राफी। अगर मैं यूज कर रहा हूं अल्ट्रासोनिक वेव्स का आपके दिल की फोटो लेने में, ठीक है ना, टू इन्वेस्टिगेट एनीथिंग दैट इज रॉन्ग विद योर हार्ट, तो मैं उसको इकोकार्डियोग्राफी बोलूंगा, इकोकार्डियोग्राफी। ओके, नॉट ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। वो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ होता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इकोकार्डियोग्राफी नहीं बोलते उसको, ईसीजी इज समथिंग डिफरेंट, उसमें ऐसे करके वेव्स आती हैं। ओके चलिए आगे बेटा। ओके, सो वी हैव डन द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पथरी का ऑपरेशन भी करते हैं हम। यस, इकोकार्डियोग्राफी हम चेक करने में यूज करते हैं उनके हार्ट की वाल्व की फंक्शनिंग को, बट इतना अभी नहीं कर रहे हम, ठीक है, कि भाई आगे जाके भी पढ़ना है। इसका एक यूज हम सोनार में पढ़ेंगे आगे जाके, ताकि अगर जैसे सब मेरीन्स हैं या बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो इसका यूज करके पता लगा सकते हैं कि जो नीचे जो है सतह से, या आइसबर्ग तो नहीं है आगे, आइसबर्ग नहीं है तो या कुछ और आगे चीज तो नहीं आ रही, तो उनकी चीजों की पता करने के लिए भी हम इसको याद कर सकते हैं। कार्डियोग्राम बोलते बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एको, एको इज समथिंग डिफरेंस, है ना, एको इकोकार्डियोग्राफी। चलो आगे चलते हैं हम,
अब हम बात करते हैं, मैंने अभी बात की थी सोनार की, इसका फुल फॉर्म देख लो, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। कई बार सीधी की सीधी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं सीएपीएफ में, ठीक है। तो सोनार जैसे लेजर होता है वैसे सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उनको यूज करके या कोई भी सोनिक वेव्स का उनका यूज करके आप सी की डेप्थ का, आइसबर्ग का, या अंदर या ऊपर आपके क्या, ऊपर आपके क्या है ना, तो वो यूज करके हम यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। नहीं बेटा, अल्ट्रासाउंड का डिफरेंट चीजें होती हैं, ये आपका जो फिजिशियन होता है वो नहीं करता, इसके लिए डॉक्टर अलग से आते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं नीचे देखूं कि भाई कोई शिप रैक तो नहीं है या एनिमी सबमरीन तो नहीं है, या मैं अगर शिप में जा रहा हूं तो फाइंड करने के लिए कितनी डेप्थ पे है, कितना है, तो उसके लिए मैं ये एको का ही काम यूज करता हूँ, एको वाला काम का यूज करता हूँ। मेरे को एक ट्रांसमीटर चाहिए होता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्यों भेजता है बेटा, अगर मैं इंफ्रासोनिक वेव्स भेजूंगा या मैं वो करूंगा तो वो जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगी। अल्ट्रासोनिक वेव्स जितनी हायर फ्रिक्वेंसी होती है उतनी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ठीक है जी, ये दूसरी तरफ आपको सुनाई देगा। एंड अ रिसीवर फॉर डिटेक्टिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो एक आपको चाहिए, एक ऐसा चीज चाहिए, एक मशीन चाहिए जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स बनाती है, और दूसरी तरफ रिसीवर चाहिए जो उसी जब रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आएंगी वेव्स तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक रिसीवर चाहिए, ठीक है जी। चले आगे, इसकी फोटो है मेरे पास, देखते हैं हम क्या करते हैं इसको, ये वाली फोटो देखना। तो अगर ये सोनार लगा हुआ है इस शिप पे और ये देखना चाहती है कि आगे नीचे क्या है, बॉटम कितना है, तो ये यहां से एक ट्रांसमीटर भेजेगी, ठीक है ना, जैसे सबमरीन, या सबमरीन पे भी यूज होता है हर जो अब आजकल तो हर जगह पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली सोनार का डिवाइस क्या करता है, एक ट्रांसमीटर है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है, ये टकरा के रिफ्लेक्ट होती है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी पर रिसीवर के पास पहुंचती है। ये जो सोनार का काम है, बस सोनार का इतना ही काम है, उसने ये टाइम जो है वो देखना है कि जब नीचे लग के वापस जाने में कितना टाइम लगता है। तो कोई चीज अगर बहुत पास होएगी आपके, जैसे कि आप यहाँ पे आइसबर्ग आ रहा है और आपको नहीं पता, बहुत सारी धुंध पड़ी है बीच में और यहाँ पे हो आप, ठीक है ना, तो आप जब यहाँ पे एक रिसीवर भेजोगे, सोनार से भेजोगे, यहाँ टकराई और जल्दी वापस आ गई, इसका क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा पास ही आपके बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल आई, जितनी ज्यादा आवाज आएगी जल्दी से उतनी ज्यादा मतलब बड़ी ऑब्स्टेकल आपके सामने, ठीक है। तो इसका यह जो सोनार डिवाइस है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली मेजर्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम एंड बैक टू द शिप। वही एको वाला कंसेप्ट है, याद है कि जितना आपको यहाँ पे टकरा के वापस आने में समय लगता है उसी को आप कैलकुलेट करते हो, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो इस शिप का यहां से कितना डिस्टेंस है नीचे से, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए ऐसे करके, कितना डिस्टेंस है बॉटम ऑफ द साउंड से। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आइसबर्ग है, ठीक है ना, तो उसका डिस्टेंस क्या है यहां से, ये भी आप पता लगा सकते हो। ओके, ठीक है जी, चलें आगे। तो हमें क्या करना है, जितना अगर सपोज यहां से जाने में, यहां तक जाने में उसको 10 सेकेंड लगते हैं, ठीक है ना, तो टोटल जर्नी कवर करने में उसको 10 सेकंड लगे, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, मतलब 5 सेकंड में आप ऊपर से नीचे जा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास टाइम पता है और आप वेलोसिटी को पता है, या आपको वो पता है इसकी डेप्थ, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना ऊपर है या कितना नीचे है, ठीक है जी, ठीक है। सपोज जैसे 5 सेकंड लगे नीचे जाने में, ठीक है, नीचे से ऊपर आने में 10 सेकंड टोटल लगे, 10 में से मतलब हाफ कर दिया तो हाफ जर्नी वाला हो गया ना, लग गई समय ना, ये तो नहीं बताने की जरूरत हाफ कैसे किया मैंने, एवरीबॉडी गॉट दिस, हाफ क्यों किया मैंने, गुड। और आपको ये जरूर पता है स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज बेसिकली 1500, ठीक है, वाटर में स्पीड कितनी है, सपोज 1500 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको स्पीड दी हुई है, आपके पास टाइम है, क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला होएगा, यस वेरी गुड, निकाल भी लिया आपने, लग गई समझ। तो आपको पता चल गया ना, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है,
ठीक है, तो स्पीड आपको पास पता है, टाइम आपके पास पता है, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट डिस्टेंस। तो इस अब समय लग गई क्या वर्किंग है सोनार की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की लग गई बेटा समझ। ओके डन। गुड। इसी तरह से हम जो है ये इसको पढ़ लेना, बहुत आसान चीजें लिखी हुई है, ठीक है लग गई समझ। ये दोनों चीजें पढ़ो पहले, वन एंड टू को। क्योंकि ये हायर फ्रीक्वेंसी की होती हैं, इसीलिए ये पेनिट्रेट कर पाती हैं ज्यादा। अगर ये हायर फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, इंफ्रासोनिक होती, ठीक है, या जो हम बोलते हैं उस साउंड में हम भेजते उस फ्रीक्वेंसी में, तो ये साउंड सी में ही ऑब्जॉर्व हो जाती, हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन नहीं आती क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और एक बात फ्रीक्वेंसी से आपने मेरे याद करवाई है आपको कि जिस चीज की, चाहे वो लाइट वेव्स है चाहे वो साउंड वेव्स है, जिस चीज की भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बेटा उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, ठीक है। वो हाथ के यहाँ पे अगर आप एक्सरे डालोगे तो वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा, तभी आपकी फोटो खींची जाएगी जो नीचे पड़ा होगा, ठीक है ना, दूसरी तरफ से। तो जिसकी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पॉइंट देखो, अल्ट्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी कंफ्यूज विद इंजन नॉइजेस। व्हाई? बिकॉज इसकी साउंड क्या 1 लाख, और ये हमें सुनाई नहीं देती पहली बात इतनी, क्योंकि 20,000 से ऊपर हमें सुनाई नहीं देता हर्ट से, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या 1 लाख के ऊपर, तो ये तो हमें जमा ही सुनाई नहीं देगी। और ये याद रखो कि आप बोलो सर डीजे तो इसके हिसाब से तो बहुत ऊंची आवाज होती है, और भाई डीजे वाला डिफरेंट काम है, वो एम्पलीट्यूड का भी कंसेप्ट आता है उसमें, ठीक है, वो नहीं है, ये वो चीज नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके डन। अब दूसरी बात है कि बैट्स जो होती हैं वो अपना फ्लाई करने के लिए, ये मैमल होती है, ये सबको पता है ये मैमल है, ये इट्स नॉट ए बर्ड, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बेटा बट इतना नहीं। नो बेटा, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है, मेरे को याद करने दो, माइक्रोवेव, नहीं माइक्रोवेव नहीं, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर होती हैं, शॉर्ट वेव डायाथर्मी, शॉर्ट वेव डायाथर्मी होती है इसके ऊपर, माइक्रोवेव नहीं, मीडियम वेव डायाथर्मी होती है शायद, एक उसके ऊपर होती है, इसके ऊपर भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बट उसका हम सिर्फ थेरोपेटिक यूज करते हैं। तो इस चीज का यूज करती है एकोलोकेशन का। एकोलोकेशन का क्या मतलब है भाई, ये इनके अंदर कुछ ऐसा करके भगवान ने सिस्टम बना के रखा हुआ है कि वो एक साउंड वेव्स भेजती है आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, या प्रे की तरफ, जितना डिस्टेंस होगा ये अपने आप कैलकुलेट कर लेती है इनका ब्रेन, यानी कि इनके अंदर सोनार लगा हुआ है तरह का, ठीक है ना, क्योंकि ये उड़ पाती है और ये डिस्टेंस, क्योंकि इनकी आंखें नहीं होती बेटा, ये ब्लाइंड होती है, तो ये सिर्फ डिस्टेंस को गॉज कर सकती है, डिस्टेंस को। इसी तरह डॉल्फिन्स होती है ना, डॉल्फिन्स दे आर ऑल्सो ब्लाइंड, ठीक है ना, तो डॉल्फिन्स को आगे ऑब्जेक्ट क्या पड़ा है या क्या नहीं पड़ा है वो किस तरह से पता चलता है, वो ब्लड नहीं पीते बेटा सारे, वो ड्रैकुला के कंसेप्ट छोड़ दो, अब ये तो हमारे टीवी वालों ने बनाया हुआ, ऐसा करें कुछ नहीं होता। दे आर द प्राइम रिजर्वायर, बहुत सारे डिजीजेस फैलते हैं ना, जो कोरोना फैला इस बार भी वो इन्होंने फैलाया भाई। अब पूछो सर हमें, आपको आप यूपीएससी इतना क्यों मतलब मखजमारी कर रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है ना, इसको इस तरह से समझो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आज मैं, ध्यान से सुनना, और ये आप मेंस में और इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो कि वाई वी नीड कंजर्वेशन सर, एक बेसिक एग्जाम्पल सुनो। हमने क्या किया कि भाई अपनी ग्रीड को मिटाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए, जितने भी सारे पास हमारे पास जो फॉरेस्ट थे उनको खत्म कर दिया, और ये कहाँ पे रहती हैं, फॉरेस्ट में, ठीक है ना, फॉरेस्ट में रहती हैं ये जो है बैट्स, है ना, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो
ये एक ऐसा मैमल है, और ये साइंटिस्ट ने ये पता किया कि हर एक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। ये हर एक कॉन्टिनेंट, इवन ऑस्ट्रेलिया हैज इट, यूरोप हैज इट, अमेरिका हैज इट, साउथ अमेरिका हैज इट, अफ्रीका में भी है, रशिया में भी है। ये हर जगह पे ऐसा मैमल है जो हर जगह पाया जाता है। और जब आप उनकी नॉर्मल घर तोड़ोगे, दरख्तों को तोड़ोगे या उनके नॉर्मल घर को तबाह कर दोगे, वो कहाँ मूव होएंगी? सिटीज में, समझ रहे हो। और ये एक ऐसा जानवर है जो कि जिसका कि इम्यून सिस्टम हमारे से बहुत मिलता जुलता है, हमारे से। ठीक, हाँ, जो मर्जी है बेटा, अभी इसको समझने की कोशिश। ये इनका इम्यून सिस्टम हमारे से मिलता जुलता है। इन्होंने अपना कुछ सिस्टम इस तरह से बनाया कि इनको बीमारी कुछ नहीं अफेक्ट करती, बट ये क्या करते हैं, बीमारी को पाल लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो जब भी ये चीजें कोई खाते हैं, जैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ, COVID-19 एक बैट ने स्टार्ट किया ये, ठीक है ना, पेंगोलिन था वैसे तो, म्यांमार पेंगोलिन, उसने स्टार्ट किया, पर बीच में रिजर्वायर होस्ट, दिस वाज द रिजर्वायर होस्ट, ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको COVID-19 के बारे में बताऊंगा। तो ये क्या किया कि इसने कुछ खा के फेंक दिया होगा, ठीक है, उसको किसी ने खाया, उसको किसी ने खाया, उसको किसी ने खाया, और वो वहां से हमने खा लिया, तो वहां से हमारे में डिजीज आए, COVID-19। दिस इज एक्चुअली हाउ द डिजीज स्प्रेड्स, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय नहीं किए होते हैबिटेट इनके, तो क्या ये शहरों की तरफ मूव होते? नहीं होते। ये शहरों की तरफ मूव नहीं होते तो डिजीज स्प्रेड नहीं होती, समझ रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज, अगर आप इसको रिलेशन में लगाना चाहो सर, फर्स्ट वी डिस्ट्रॉयड देयर लाइवलीहुड, फर्स्ट वी डिस्ट्रॉयड देयर हाउसेस, ठीक है ना, देयर देयर नीश, देयर इकोलॉजिकल नीश, तो उसके बाद इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो COVID-19 का इसीलिए बोला था। यस यस यस, आपका वो बात अलग है कि हमारे उमा भारती जी बोलते हैं कि इंडियन डॉल्फिन जो होते हैं वो पानी की गंदगी इतनी है इसके कारण हुए अंधे, नहीं, वो भी एकोलोकेशन ही यूज करते हैं। ठीक है जी, लग गई समझ, पढ़ लोगे इसको, चले आगे। नॉट रेबीज बट सार्स कोरोना वायरस, जो सार्स का वायरस था वो भी इन्होंने बनाया था, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। बर्ड वायरस भी यही है, एवियन इन्फ्लुएंजा, यही यही कॉज करते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, हम एक नया कंसेप्ट हमने और करना है आज, उसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये दोनों चीजों पे लागू होता है। कहाँ कहाँ पे लागू होता है, देखो ये लागू होता है साउंड्स में भी, और ये लागू होता है, ये साउंड्स में भी लागू होता है, और ये लागू होता है आपका कहाँ पे, साउंड्स में और लाइट वेव्स में, दोनों में इसका उपयोग हम करते हैं, लाइट में भी और साउंड्स में भी। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या हमने सब देखा होगा कि भाई जैसे जैसे अभी ये एम्बुलेंस आ रही है और एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे उसके आगे खड़ा है, तो किसको ज्यादा तेजी से सुनाई देगी आवाज, जो पीछे खड़ा है जो आगे खड़ा है? खुद सोचो, एम्बुलेंस आ रही है, आगे वाले को, वेरी गुड अरविंद, आगे वाले को, ठीक है ना, कि पीछे वाले को? आगे वाले को, ठीक है ना। क्यों आगे वाले को आ रही है? क्योंकि इन दोनों में डिस्टेंस है कम, इधर इधर इसकी तरफ जा रहा है और इससे दूर जा रहा है, जिससे दूर जा रहा है वहां की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी कम क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, और जिसके पास आ रहा है वहां पे फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ज्यादा क्योंकि उसके पास आ रहा है, डन, ठीक है। तो इस बंदे को, यानी कि अगर मैं ए और बी का नाम दूं, ए ये है और बी ये है, तो जो बी वाला बंदा है उसको क्या होएगा कि उसको ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी से आवाज आ रही है, ठीक है ना। जब ये इसको भी पास कर जाएगी, जब ये एम्बुलेंस इसके आगे चले जाएगी, तो भी इसको फिर धीरे 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 आवाज बंद हो जाएगी। ये आप सबने देखा होगा कि जब पुलिस आती है तो पुलिस भी हॉर्न लेके आती है ना, तो ये डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। कोट पल्लवी, तो बेटा पिछले वाले को लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अगले वाले को हाई फ्रीक्वेंसी, ये तभी होएगा, वेरी गुड क्वेश्चन पल्लवी, कि जब
ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है कोई भी चीज, ठीक है ना, जो भी चीज साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो मूव कर रही है। अगर ये स्टेशनरी हो तो डॉपलर इफेक्ट आपको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। जैसे पल्लवी जी ने पूछा कि अगर ये एम्बुलेंस खड़ी है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ए और बी के डिस्टेंस बीच में खड़ी है, बिल्कुल सेम है, तो जितना इसको सुनाई देगा उतना ही दूसरे को सुनाई देगा, ए और बी में एक जैसी फ्रिक्वेंसी रहेगी। ये तभी मैटर चलेगा, ये तभी काम करेगा, इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट तभी काम करता है जब ये जो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड एम्बुलेंस है, जब वो मूव करेगी तभी ये आपको सुनाई देगा, ये इफेक्ट दिखाई देगा ये, ठीक है। यस ठीक है जी। तो सबसे पहली बात जो आपको यहां पे चाहिए, इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन देन, मतलब ये हमेशा चलना चाहिए, अगर वो एम्बुलेंस खड़ी है तो दोनों को एक जैसी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अगर वो एम्बुलेंस मूव कर रही है तो जिस तरफ मूव कर रही है उस तरफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिसके से दूर जा रही है उस तरफ फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। ठीक है, लग गई बेटा समझ, ओके ठीक है। ये आपको तब भी सुना होगा आपने या गौर किया होगा, कभी आपने देखा कि वो जो रिक्शे पे या ऑटो रिक्शा पे वो जो आते हैं, मतलब चूरन बेचने भी आते हैं कई बार, या मतलब लाउड स्पीकर लेके आते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, है ना, कि ये वाला कैंडिडेट को वोट डालो, गाना चला रहे होते हैं पीछे, है ना, सुना कभी, वो नोटिस किया। तो जैसे जैसे वो आपकी तरफ आता है तो साउंड की फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे वो आपसे दूर चले जाता है साउंड की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्व किया होगा आपने, किया कि नहीं, गुड। तो ये आपको दिखेगा इस तरह से, जितना जितना ये दूर जा रहा है, देखो ये भोंपू, ठीक है, उतना उतना आपको आवाज सुनाई कम देती है, ठीक है ना। अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, और दैट्स ऑल फॉर अवर साउंड की, उसके बाद हमने फोर स्टार्ट करनी है आज, ठीक है। तो एप्लीकेशन कहाँ करते हैं हम इसको, आपने कई बार सुना होगा कि रेल इंजन ट्रैवलिंग विद हाई स्पीड वो विसल ब्लो करता है, ठीक है ना, तो उसका जो रेलवे इंजन में जो हॉर्न लगा होता है वो आगे ही क्यों लगा होता, पीछे क्यों नहीं लगा होता, वो इसलिए बेटा क्योंकि जितना जितना स्पीड से ये आएगी, ठीक है ना, और ये हॉर्न ब्लो करेगी तो अगले वाले बंदे को जल्दी सुनाई देगा, ठीक है ना, कि कोई आगे है तो जल्दी जल्दी पीछे हट जाओ रेल की पटरी से, ठीक है ना, डन। यस पल्लवी सोडी ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया कि डॉपलर इफेक्ट मैंने आपको बोला था कि ये कहाँ पे यूज होता है, लाइट में भी यूज होता है। तो डॉपलर इफेक्ट इज यूज टू डिटेक्ट ए स्टार, अ गैलेक्सी, ठीक है, इनको यूज करने के लिए, इनको पता करने के लिए, इनकी लोकेशन को करने के लिए भी यूज होता है, नॉट रेडार, रेडार इज समथिंग एल्स, ठीक है ना, सेम टू प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग इज द सेम, ठीक है ना, रेडार में भी सेम प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो लोकेशन को बताने के लिए भी हमारे को ये यूज होता है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। जो आपको ठुल्लो का पता, पता हु इज ठुल्ला, एनीबॉडी हु नेम, किसको पता हो ठुल्ला या मामे किसको बोलते हैं पंजाबी में, हमें पता है, यू डोंट नो ठुल्ला, अरे ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं इसको हम मामे भी बोलते हैं, मामू, मामू जान, इन पंजाबी पुलिस वालों को ठुल्ले भी बोलते, ठुल्ले, ठीक है ना, तो दीज आर देयर स्लैंग नेम्स, नॉट देयर ट्रू नेम्स। तो ये लोग ना कई बार क्या होता है कि चंडीगढ़ में खास करके मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा कोई की कहां के, मतलब अगले इंटरसेक्शन पे या अगले इंटरसेक्शन पे कोई है ना, ये पता नहीं झाड़ियों, वहां पे पेड़ बहुत है ना, झाड़ियों से निकल के एकदम से आगे आ जाते हैं ठुल्ले, जैसे ना शिकार कर रहे हो एकदम से आगे आ जाते हैं, तो वो उनके हाथ में एक लगा होता है, एक स्पीड गन होती है जिसको आप वो अब जिसका आपसे स्पीड मेजर करते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई ये वाला बंदा इस बाइक पे जो बंदा आ रहा है, इस नंबर का बंदा आ रहा है, इस बाइक नंबर का, तो उसको घेर लो, इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना, वो पीछे खड़े होते हैं वो एक ऐसे करके गन लेके खड़े होते हैं, उससे आपकी स्पीड का पता चल जाता है, तो वो स्पीड गन भी किस पे डिपेंड करती है। यस 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 वेरी गुड सोफिया जी, वो भी इसी डोपलर इफेक्ट पे ही डिपेंड करती है। चले आगे,
तो सोफिया ने एक बात कही है कलर डॉपलर की। कलर डॉपलर हम यूज करते हैं एक वेन या एक आर्टरी की पटेंसी को देखने के लिए। व्हाट इज दैट? दैट इज समथिंग मेडिकल, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ, बट हम इसका ब्रॉडली यूज करते हैं डीबीटी को डिटेक्ट करने के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। वो चीज क्या होती है, देखो अगर आपकी कोई नाड़ी ब्लॉक हो जाए, ठीक है, कोई नाड़ी ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो हम उसकी जब पिक्चर खींचते हैं तो वहां पे लाइट रेज या साउंड वेव्स भेजते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वहां पे लाइट, वो जो नाड़ी है वो फूली हुई है या वो सूजी हुई है या वो पतली हुई पड़ी है, जाम हुई पड़ी है, ठीक है ना, तो उसका पता हम लगा सकते हैं। दैट इज नोन एज कलर डॉप्लर, ठीक है। बेसिकली दैट इज कलर डॉपलर इज डिपेंडेंट ऑन डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। जितनी जितने पास होएगी उतना उतना उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट साउंड। साउंड का हमने बहुत बड़ा चैप्टर खत्म कर लिया बेटा। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर कंसेप्ट, फोर्सेस। फोर्सेस फिर जल्दी खत्म करके वी एक ही चैप्टर रह जाएगा हमारे पास, एक या दो चैप्टर बस, ठीक है ना। फोर्सेस, फोर्सेस बहुत बड़ा चैप्टर है बिकॉज इसमें रोटेशनल मोशन भी आता है बेटा। फोर्सेस आएंगे, न्यूटन आएगा, ग्रेविटेशन आएगा, लॉज आएंगे न्यूटन के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन आएगा, और बहुत सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग दैट होएगा, ठीक है। अरविंद, मैंने टेस्ट तो इसी वीक लेना था बेटा, बट बहुत सारे बच्चों का मेरे को मैसेज आया कि सर इस टाइम टेस्ट मत लो कि हमारे पेपर चल रहे हैं, तो आप एक बार पेपर दे लो अपने सारे जो भी आपके चल रहे हैं कॉलेज के, जैसे आपके पेपर खत्म होते हैं यू इंटीमेट मी, उसको बता देना मेरे को कि सर हमने पेपर खत्म हो गया है, टेस्ट मैंने बना के रख लिया हुआ, जब बोलोगे मेरे को लिंक ऑन करना है, ठीक है, बता देना मेरे को एक हफ्ते पहले कि सर हमने कर लिया, ठीक है, फिर मैं आपको प्रिपरेशन का टाइम भी दूंगा, ठीक है। सर मेरी तो डेट शीट कैंसिल होगी रचना, क्या बात हुई? यस, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट टू वीक या एक दो और क्लासेस साथ में लेके आई थिंक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पंजाबी यूनिवर्सिटी की, गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, पेपर आपके देने से पहले ले लेंगे एक बार, ठीक है। अब अपने में बाद में शुरू कर दो, ये आप ये जो चीजें पूछनी होती है बेटा ये आफ्टर द क्लास पूछा करो, ठीक है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू फिजिक्स में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका है फोर्स का, ठीक है। इसमें हमने एक चीज दो चीज और ऐड करनी है, वो इसी में हम ऐड करेंगे, व्हाट इज सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के बाद ऑर्बिट्स क्या होती हैं, ये भी इसी में ऐड करना है, ठीक है। कॉलेज कौन सा कॉलेज बेटा? चलो जी, चलो ठीक है, आप बेस को देखो, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं अभी। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है बेटा, मोशन क्या होता है, एडमिशन के बारे में बेटा, एडमिशन ले लो, इसमें पूछना क्या है, कोई भी अच्छे से कॉलेज में ले लो, दिस यू कैन आस्क रीनू मैम बेटा, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में यू कैन आस्क रीनू मैम, ओके, उनका नंबर है आपके पास, पूछो उनको कि क्या किसके लिए है, क्या करना है, ठीक है ना, बिकॉज शी इज द एडमिन, ठीक है। मैं इस पे कमेंट करता अच्छा नहीं लगता बेटा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद मोशन। मोशन हमारे वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशंस होते हैं, ठीक है। बात वही है बेटा, डायमेंशनल चीज कुछ नहीं है कि आपको बताया कि जैसे अगर आप पेपर में दो चीजें बना करते हो, ठीक है ना, ड्रा करते हो, टेबल को ड्रा करना चाहते हो, ठीक है ना, या इसको फोन की फोटो खींचना चाहते हो, फोन को ड्रा करना चाहते हो आप पेपर पे, ठीक है ना, जब भी आप पेपर पे बनाओगे तो वो टू डायमेंशनल होगा, लेंथ और ब्रेथ होगी उसकी, आप उसमें थर्ड डायमेंशन को शो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, बट उसी चीज को आप जब बाहर निकाल आओगे तो उसकी एक लेंथ और जुड़ जाती है, उसकी हाइट भी आ जाती है, ठीक है ना, दिस हाइट, ओके, जिसको आप विड्थ भी बोलते हो। तो ये डायमेंशन जब आ जाती है इसको हम थर्ड डायमेंशन बोलते हो। वी ऑल आर थ्री डायमेंशनल बींग्स, थ्री डायमेंशनल मींस वी हैव हाइट। आप अपने घर में ना कोना देखना, जैसे दीवार होती है ना, दीवार में तीन डायमेंशन होती है, देखो एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, और एक नीचे को जा रही होती है, ऐसे ही होता है ना, इस तरह से देखना कोने को, त्रिकोण देखना, बिल्कुल एंड में देखना तीन जगह पे मूव कर रहा हो, इस तरफ को और नीचे को,
ठीक है ना। तो दीज आर थ्री डायमेंशनल, वी आर थ्री डायमेंशनल बींग्स, ठीक है, वी आर नॉट फोर डायमेंशनल बींग्स। देर आर 12 to 13 डायमेंशन, ठीक है, बट हमें वो उतना पता नहीं है बेटा, वी डोंट गो इन टू दैट मच डिटेल, ठीक है। बट अगर हम इससे आगे जाने की सोच रहे हैं बेटा, वी वॉन्ट टू गो टू गैलेक्सीज, डिफरेंट गैलेक्सीज, तो वी नीड टू गो थ्रू फोर्थ डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन, जिसको टाइम बोलते हैं। जो लोग टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे, दे विल बी द थर्ड डायमेंशन, ठीक है। किसी ने वो मूवी देखी है, क्या बोलते हैं, लेट मी शेयर द लिंक विद द यू ऑल इन द ग्रुप। वो एक मूवी बहुत अच्छी है, उसमें फोर्थ डायमेंशन की बात करता है। चलो एड्स बाद में बताऊंगा इसके बारे में कभी। तो बेसिकली चेंज इन ए पोजीशन मेजर्ड बाय डिस्टेंस एंड टाइम, तो डिस्टेंस एंड टाइम, अच्छा ठीक है, वन शेप, यस। लूसी का नहीं है बेटा, एक और भी मूवी आई थी, उसका नाम भूल गया मेरे को, आई विल शेयर विद यू, मेरे को नाम, मेरे पास पड़ी हुई है वो, ठीक है। ओके ठीक है, ओके ओके, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। सो अब आपको कैसे पता चल रहा है कि आप मूव कर रहे हो या स्टेशनरी हो? एक स्टेशनरी पॉइंट होगा, उसके हिसाब से देखोगे ना। कई बार आपने देखा होगा, आप रेलगाड़ी में बैठे हो, एक डब्बे में बैठे हो, और दूसरी भी रेलगाड़ी आपके साथ ही खड़ी आके, दोनों स्टेशनरी है, मतलब दोनों मूव नहीं कर रही है, एकदम से कोई ना कोई चल पड़ता है, ठीक है। और आपको जब वो दूसरी ट्रेन चलेगी, थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप भी मूव कर रहे हो, ठीक है ना, कि शायद आपकी चल पड़ी है और उसकी नहीं चली, दूसरी ट्रेन नहीं चली। तो ये रिलेटिव मोशन होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली मोशंस, ठीक है ना। तो आप चल रहे हो या आप स्थिर हो, ये कौन बताएगा? जब एक रेफरेंस पॉइंट रखोगे आप। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? लेट मी शो यू व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट। जैसे ये एग्जांपल देखना, ये गाड़ी है ना, ये लाल लाल, ये जो लाल है कहते हैं पॉइंटर लगा हुआ है, जब ये गाड़ी यहां से मूव होकर यहाँ पे जाएगी और फिर यहाँ पे पाके जाएगी, ये सारी चीजें क्या है? स्थिर है ना। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखे आपको अपनी मोशन का पता चलता है कि बेसिकली आप किस तरफ को जा रहे हो, कितनी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है ना। तो एक चीज को आपको स्थिर होना पड़ेगा, जिसके रेफरेंस पे आप अपनी स्पीड मेजर करोगे, ठीक है, ओके। तो हमारे पास सबसे पहले किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डीपी, ओके। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिहाइंड दिस, ये आपको इस डायग्राम से पता लगेगा। देखो तो सोचो, मैंने ए से सी तक जाना है, तो मेरे पास एक लंबा डिस्टेंस भी है। सोचो मैं ए से बी की तरफ जाऊं, पहले 5 किलोमीटर, फिर बी से सी की तरफ जाऊं, ठीक है ना, तब मैं ए से सी की तरफ जा सकता हूं। एक मेरे पास छोटा डिस्टेंस है, जिसका मतलब है कि ए से सी के बाद तो मैं सीधा भी जा सकता हूं 4 किलोमीटर, तो ये मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ठीक है ना। तो मैं घूम के भी जा सकता हूं बी के थ्रू, मैं सीधा भी जा सकता हूं, ठीक है। सीधा जाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस कम होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ए टू सी, ए टू बी और बी टू सी, या ए टू सी, हमेशा ए टू सी विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इसकी आपकी बन जाती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। अमनदीप को लिंक सेंड करना बेटा, मेरे को पर्सनली मैसेज करना, बहुत सारा मेरे पास कलेक्शन पड़ा है, आई विल सेंड यू आल्सो, ठीक है। यस, बी टू सी, ओके, बी टू सी इज नॉट द डिस्टेंस, पहले आपको बी तक पहुंचना पड़ेगा ना, ठीक है पल्लवी। तो आपको ए से मूव करना है, मैंने आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ए रखी है, तो ए से सी मूव कर रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहां से यहां तरफ जा रहे हो, तो ऊपर घूम के जाना पड़ता है। किसी को जवाहर पास के बारे में पता है? जवाहर पास, जवाहर टनल जो श्रीनगर की तरफ है,
श्रीनगर को कनेक्ट करता है जम्मू से, किसी को नहीं पता। अभी नया टनल भी बनने जा रहा है वहां पे, लेह को कनेक्ट करता है जो सीधा। अभी सितंबर में अक्टूबर में हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसका उद्घाटन। तो होता क्या है बेटा, देखो जैसे मैंने पहाड़ों में क्या होता है, खास करके फ्रंटियर इलाके हैं जो, जैसे हमारे पास अपना बॉर्डर है चाइना के साथ है ना, तो उसमें पहाड़ी इलाका है, तो उसमें आप सीधी सीधी रास्ता कोई नहीं होता। जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनको पता है सीधा कोई रास्ता नहीं होता पहाड़ से। क्या होता है आपको हमेशा घूम घुमा के ऊपर से जाना पड़ता है बी से। जैसे मैं ए से बी जाना चाहूंगा, मैं ऊपर से घूम के जाऊंगा, ठीक है ओके। तो जो इसका अगर डिस्टेंस कम करना है मेरे को, तो जो ये पहाड़ है बीच में, ये वाला पहाड़ है, तो इसमें एक तरफ से खुदाई कर देते हैं या दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, है ना। तो कौन सा डिस्टेंस छोटा होगा ये बताओ मेरे को, सीधा, ठीक है ना। जो सीधा डिस्टेंस होगा वो हमेशा छोटा डिस्टेंस होता है बेटा, ये वाला सीधा वाला डिस्टेंस। एंड दिस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट। और जो लंबा डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लग गई समझ। ऊपर से इसलिए जाते हैं बेटा क्योंकि पहाड़ को, अब जो पुराने लोग थे उनके पास सड़क तो यही होती ना, ऊपर से रास्ता जाएंगे घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के। तो क्या होता था, जैसे आप यहां से स्टार्ट करते हो पहाड़ के नीचे से, तो पहले घूम के इस तरफ को, फिर घूम के इस तरफ को, फिर घूम, फिर एक तरफ पास आता था, फिर वो दूसरी पहाड़ी में ऐसे घूम के घूम के घूम के फिर दूसरी तरफ जाते थे। ऐसा ही होता है अगर आप हिमाचल में जाते हो, अगर आप उत्तराखंड में जाते हो, तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं खास करके कश्मीर में इस तरफ को जाते हो, तो इनको ट्रावर्स करने का एक एक ही रास्ता है, उनके ऊपर घूम घूम के, घूम घूम के जाना पड़ता है, ठीक है जी। मसूरी, मसूरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए टू बी वो हमेशा सीधा होगा, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, लंबे डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्टेंस। एक बात और, हमने इससे पहले पढ़ के आए थे वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होएगी और डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होएगी। स्केलर का मतलब इसके, अगर मैं बोल दू 65 किलोमीटर, आई ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर, तो वट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस और आई एम टॉकिंग अबाउट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। क्यों बेटा, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया मैंने, मैग्नीट्यूड मतलब आगे वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है ओके। मैग्नीट्यूड और यूनिट बताया आपको मैंने, क्या नहीं बताया मैंने आपको, डायरेक्शन नहीं बताई, ठीक है। अगर मैं बोलता कि 65 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट, तो अगर मैं ये भी साथ में डायरेक्शन भी लिखता, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। चलें आगे, चलें एक क्वेश्चन करते हैं, चलो फिर टू अंडरस्टैंड कितना समय लगा आप, ठीक है। तो एक बंदा है, एक तैराक है, मतलब एक भागने वाला है, रनर है, इसने 50 मीटर की एक जो ग्राउंड है, ये 50 मीटर लॉन्ग है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से बाकी यहां पे गया फिनिश लाइन पे और फिर वापस आया, उसी लाइन पे वापस आ गया, मतलब ठीक है, ज्यादा मुड़ा नहीं, यहीं पे मुड़ के वापस आ गया और यहां वापस आ गया जहां पे स्टार्ट किया था। व्हाट इज इट्स डिस्टेंस एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट करके बताओ बेटा। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, या वाई द डिस्टेंस इज 80 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 20, वाई इट इज 20 श्रुति, यस स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, वेरी गुड संकेत, संकेत ठीक है, यस डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, वेरी गुड। तो अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस तो आएगा बेटा 100, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंचा और फिर वापस गया,
ठीक है, तो 50 जाने में लगा, 50 आने में लगा, ठीक है जी, डन, ओके, ये समझ लगा, ओके, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100, मैंने बोला जिस लाइन से गया था उसी लाइन पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इज ए फंक्शन ऑफ, एक तो इसकी पोजीशन पे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ओके, पर इसकी डिस्प्लेसमेंट का ये भी मतलब होता है कि अगर वो सीधा जाके सीधा ही वापस आ गया तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, समझ रहे हो इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नो 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 श्रुति इट्स ओके, ठीक है, तो शुरू से जाके यहां तक आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, टर्नली उसी टर्न से वापस आ गया, ये मैंने आपको ये डिस्टेंस नहीं ना बताया, अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर है सपोज, कितने में टर्न लेके वो वापस आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 मीटर ओनली, लग रही समझ, ओके, तो मैं जैसे बोलूं यहां से गया फिर मैंने 5 मीटर को इधर को गया फिर मैं वापस आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अब कितनी है, 5 मीटर, अगर जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में वापस आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, जब मैं उसी रास्ते जाता हूं और उसी रास्ते वापस आता हूं तो वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया, उससे अलावा तो कोई डिस्टेंस नहीं ना बचा, समझ लगी, ओके, तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगी अगर उसी रास्ते जाता है और उसी रास्ते वापस आता है इसका मतलब है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है बेटा, ठीक है, लग गई समझ, क्योंकि जो डिस्टेंस है इसमें डिस्टेंस होता है लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, तो जितना जाया उतने में वापस आ रहा, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ रहा नहीं, ठीक है, राधा इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं बेटा, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, देखो मैं कह रहा हूं कि अगर ये बंदा यहां से यहां, चलो पहले बेसिक समझ लो इसको, लेट मी रिमूव इट, ये बंदा यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया यहां की तरफ गया फिनिश, फिर वापस आया इस तरफ 20 मीटर तक वापस पहुंच गया, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, सीधी सी बात ये 50, ठीक है, और इधर से कितना होगा 30, ये 30, ये और 50, ये टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 80, ये तो समय लग गया, ये भी नहीं समय लगा तो ये कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता बेटा कुछ भी, अच्छा अब मैं बोलूं इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है हमेशा इनिशियल पॉइंट, मेरे को कलर करने दो इसको, एक को डिफरेंट कलर करने दो, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, अभी देखो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, अब लग गया समझ बेटा रचना, हेलो, ठीक है, और ए और बी पॉइंट में कितना डिफरेंस है 20 का, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 20, इसका डिस्टेंस कितना हुआ 80, ये समय लग गया, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेट मी रिमूव इट फर्स्ट, यहां ए पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां की तरफ गया बी पॉइंट पे गया और फिर बी से दोबारा उसी लाइन से ए की तरफ आ गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल डिस्टेंस कितना है जीरो, फाइनल डिस्टेंस कितना है जीरो, आंसर क्या आएगा जीरो, लग गई समझ, इट्स ओके नाउ, रचना कहां गई, नहीं आज तो रचना बोलेगी तो आगे चलना है हमने, नहीं तो हम इसका और समझाएंगे, कहां गई रचना, भागी रचना जी, क्वेश्चन पूछ के भाग जाते हो आप, हाँ तो बस जो उसका डिस्टेंस होगा, जैसे ये बीच में रुक गया था यहां पे अगर यहां पे रुक जाए, अगर ये सी पॉइंट पे रुक जाता है तो इसका डिस्टेंस क्या ओरिजिनल जीरो, ठीक है, यहां पे कितना रुका 30 मीटर पे जाके रुक गया, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस में जितना उसका डिफरेंस होगा ये वाला पोजीशन इन दोनों के बीच में 20 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, डन, चले आगे, ठीक है जी, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क है, यही अंतर है, ठीक है जी,
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है जी। तो अगर मैं डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है जी, तो इसका ये मतलब समझने की कोशिश करो कि ये यूनिफॉर्म का होगा। लेट मी शो यू फर्स्ट, एक चीज समझाने दो पहले, एक मिनट। हाँ, तो जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं कि ये कार आगे की तरफ जा रही है, तो ये नीचे टाइम रखा है मैंने कि ये पांच डिस्टेंस 5 माइल्स का है और कितने टाइम लग रहा है, मैं वो नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके ओके, कोई बात नहीं, आवाज कट रही है बेटा, इट्स ओके। हेलो, आवाज सुनाई दे रही बेटा? ऑल ओके, ठीक है। सो अगर मैं ये गाड़ी चला रहा हूं और मैं हर एक डिस्टेंस ये नीचे रखा हुआ है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 और 5, ये 5 किलोमीटर तक गाड़ी चला रहा हूं मैं सीधे, ठीक है, और मैं टाइम नोट कर रहा हूं और मैं डिस्टेंस नोट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं किसकी क्या, अब मैं बोलूंगा कि मेरी गाड़ी यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची है इतने टाइम में, तो मैं किस किसके बारे में बात करूंगा? आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ इट्स डिस्टेंस और टाइम के बारे में जब बात करते हैं, जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम हमारे पास आती है स्पीड। ओके, यू विल टॉक कि मैंने ये डिस्टेंस, आई कवर्ड 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझ लग रहा है कि मेरी एक घंटे में मैं कितना डिस्टेंस कवर करता हूं? 5। 2 घंटे में कितना करूंगा? 10। 3 घंटे में कितना करूंगा? 15। ये समझ लग रहा है आपको? डन। ओके, तो ये मेरी हो जाएगी स्पीड। अब मैं बात कर रहा हूं स्पीड, इससे पहले हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट और किसकी, डिस्प्लेसमेंट और किसकी बात की थी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। वेरी गुड, तो एक बार और समझाने दो मेरे को। तो ये देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये तो सबको सबको पता ही होगा, तभी आप यूनिट क्या रखते हो इसके, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। लग रही समझ? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ओके, डन। तो अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, सोचो ये ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, लीनियर पोजीशन पे, यहां पे मैंने रखी है डिस्टेंस कवर्ड और यहां पे मैंने रखा टाइम टेकन, यहां पे इस तरफ को, ठीक है, तो मैंने सपोज 10 सेकंड के लिए गाड़ी चलाई, पहले मेरी जीरो पे थी, यहां पे गाड़ी कहां पे थी? जीरो पे होगी, तो जीरो पे जीरो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट मेरा लग जाएगा यहां पे, तो 1 सेकंड में मैंने 10 डिस्टेंस कवर किया या 20 डिस्टेंस कवर किया, चलो 1 सेकंड में, तो मैं यहां पे लगा दूंगा एक पॉइंट। दूसरे में मैंने 40 डिस्टेंस कवर किया, तो मैं यहां पे पॉइंट लगा लूंगा। तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, अगर इन सारी लाइनों को मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूं एक स्ट्रेट लाइन की तरफ में, ठीक है ना, तो ये कौन सा मोशन बन जाएगा ये बताओ मेरे को। यूनिफॉर्म मोशन, वेरी गुड, ठीक है जी, 3D मोशन ही बोलते हैं इसको, बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम इसको? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। ये समय लग गया ना, 20 डिग्री, 20, इसका मतलब है कि 20 मीटर पे मैंने कितना डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया, 30 डिस्टेंस या 60 डिस्टेंस मैंने इतने में किया, ये इतने में किया, ये इतने में किया, ये इतने में किया, लग रहा समझ? इसी तरह से बना रहे हैं। यस 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 यस, हम हर जगह पे दिखेंगे इसका बेटा ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ आपको समझ लग रहा है यूनिफॉर्म मोशन का, इसका मतलब होता है ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब है 1 घंटे में 5 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15 किलोमीटर, 4 घंटे में 20 किलोमीटर। लग रहा है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम,
जिस तरह से मर्जी बोलो। तो लाइन जो आप ग्राफ बनाओगे इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म मोशन। ओके ठीक है जी, चले आगे। तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूं तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नीचे से ऊपर की तरफ। डन। ये कौन सा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब है कि भाई ये देखो, लेट मी शो यू, कि अगर मैंने सपोज एक गेंद नीचे फेंक रहा हूं, ऐसे ऊपर पकड़ी है गेंद, मैं 10वें माले पे खड़ा हूं, मेरा टोटल डिस्टेंस नीचे से है 50 मीटर्स, ठीक है ना, मतलब मैं 50वें माले पे खड़ा हूं, ठीक है ना। तो 50वें माले से एक गेंद को नीचे फेंका मैंने, ठीक है जी। तो आप खुद देखना, नीचे वाले को भी लगेगा पता और ऊपर वाले बंदे को भी लगेगा, जैसे ही मैं बॉल फेंकता हूं तो पहले सेकंड में उसकी स्पीड होगी जैसे कि सपोज 9.8, ये नॉर्मल ग्रेविटी का भी एक्सेलरेशन होता है 9.8, दूसरे में 19.6, तीसरे में 27, चौथे सेकंड में ऐसे करके 36 या 37 करके कुछ होएगा, 9.8 ऐड होता रहेगा, 9.8 ऐड होता रहेगा। कहने का मतलब है अगर मैं एक गेंद को फेंक रहा हूं नीचे, सिर्फ कोई स्पीड नहीं दे रहा हूं उसको, सिर्फ ऐसे करके फेंक दिया, तो पहले सेकंड में 9.8 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, दूसरे सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगी, तीसरे सेकंड में इतना, चौथे में इतना, पांचवे में उतना, ठीक है जी। डन। ओके। तो क्योंकि इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है हर एंगल के, हर डिग्री में, हर चीज में, तो हम इसको बोलेंगे कौन सा डिस्टेंस है ये? ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट में 50 हो रहा है सपोज, ठीक है ना। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा इस तरह से करके, तो आप खुद बना के देख लेना ग्राफ, पहले सेकंड ये डिस्टेंस दिया हुआ है ऐसे करके और दूसरी तरफ टाइम दिया हुआ है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से सी शेप ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको नाम बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। ओके डन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बेटा? ग्राफ अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके चलो जी आगे चलते हैं फिर हम। व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज दिस? ध्यान से बताना है। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं बाइक चला रहा था, ठीक है, ये वाली बाइक है, और ये जो आगे इंडिकेटर लगा होता है ना, ठीक है ना, जहां पे आपकी स्पीड आपको पता चलती है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टांस पे, उस जगह पे, उस टाइम पे जब आपने नोट किया या आपके स्पीडोमीटर पे चेक किया तो कितनी स्पीड आ रही थी, तो दैट इज योर इंस्टेंट स्पीड। ओके डन। तो जैसे ही आपने देखो यहां से निकले, पहले आपने आपका बाइक यहां पे खड़ा था तो कोई स्पीड नहीं थी, तो स्पीड वाज जीरो। तो हमने स्पीड और टाइम ग्राफ बना रहे हैं, स्पीड और डिस्टेंस ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस, नॉट स्पीड एंड टाइम, इट्स स्पीड एंड डिस्टेंस ग्राफ। ओके चलो आगे क्या, हम जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली, ये एक तरफ पे बढ़ रहा है, हम एकदम से कोई आगे से आ गया एकदम से बंदा, ठीक है ना, फोन पे, तो आपने ब्रेक लगा दी, फिर उसको गए एकदम से जीरो नहीं किया तो ब्रेक लगाई, फिर उसको पार किया, फिर दूसरी तरफ स्पीड बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। यस। उसके बाद क्या आ गया, एकदम से रेड लाइट आ रही है, तो फिर आप धीरे 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 अपना स्पीड कम कर देते हो बाइक की। एक जगह ऐसे आएगी कि जहां पे आपने स्पीड कितनी कर दी, अब डिस्टेंस कवर क्या है 3 किलोमीटर, बट स्पीड कितनी है इसकी? जीरो, ठीक है, मतलब आपने लाइट पे बाइक को रोक दिया, ठीक है। फिर आपने स्पीड बढ़ाई, कितनी बढ़ाई? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहां तक पहुंच गया, 10 के बीच में 12 किलोमीटर हो गया सपोज यहाँ पे, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, अब अगले 3 से 5 किलोमीटर तक मैं कोई स्पीड नहीं इंक्रीज कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कौन सी स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड। जब मैं स्पीड बढ़ा नहीं रहा हूं, रेस नहीं दे रहा हूं, एक्सलरेशन नहीं दे रहा हूं, तो स्पीड डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ओके स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ये वाली लग रही समझ आता? यस। इसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड है। यहाँ हर जगह पे स्पीड चेंज हो रही है, यहाँ पे स्पीड जीरो होती है सिर्फ 3 पे जाके, ठीक है।
यहां पे स्पीड कांस्टेंट होती है, और उसके बाद क्या होता है, फिर जीरो की तरफ चले जाती है जब 5 किलोमीटर पे तरफ। ठीक है, इतना समय लग रहा है आपको, ग्राफ में बना रहा हूं सारा कुछ मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ लग जाए। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं हम यहां पे। ओके, तो ये जो 50 किलोमीटर आपने एक बार देखा, और उसके बाद मैंने देखा कि वो 60 किलोमीटर पर रहा है, तो ये देखो मैंने 3 टाइम ना, 3 घंटे में मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 110 किलोमीटर। ठीक है, ओके, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी बताओ, 120 लगा लो, यहां पे भी 60 लगा लो, ठीक है, व्हाट इज माय एवरेज स्पीड, क्या क्या मेरा, आप कर सकते हो उसको कैलकुलेट, 3 घंटे में मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया 120 किलोमीटर का, ठीक है ना, ओके, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, 40, यू नो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, तो दैट इज योर एवरेज स्पीड। ओके, इसमें तो कोई चक्कर नहीं ना, ओके, इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मेरे को बताओ ये कौन सा मोशन है, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव यू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड, लग रहा ना, यस, स्पीड के बारे में बताता है। मेरे को बताओ व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज ऑफ मैरी, वेरी गुड, यूनिफॉर्म मोशन, याद है, बी का भी यूनिफॉर्म है, कैथी का भी है ना, बट व्हाट अबाउट जूली, जूली ने क्या किया, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यस, बट एट पॉइंट दिस, यहां तक क्या है, ए टू बी उसका मोशन क्या है, देखो ए टू बी तो यूनिफॉर्म है, यहां तक यूनिफॉर्म रहा, उसके आगे कौन सी स्पीड आ गई, यहां पे कौन सी है, यहां पे स्पीड क्या है, नो नो नो, यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इज जीरो, यू गॉट इट, देयर इज नो चेंज इन, यानी कि यहां पे उसने ब्रेक लगा दी, ठीक है, 10 से 20 सेकंड, मतलब इस 10 से 20 मिनट, मतलब 10 मिनट की उसने रेस्ट ली है, यहां से बी से सी तक, मतलब उसने रेस्ट लिया, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है मतलब आप स्थिर खड़े हो, समझ रहे हो, इसका पहला ग्राफ जो हमने किया था बेटा वो ग्राफ था स्पीड और डिस्टेंस का, ठीक है, तो अगर लाइन सीधी आ रही है इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, वो 1 की 25 की स्पीड पे चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, चलाई जा रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, और वहां यहां पे क्या डिस्टेंस, यहां पे क्या फर्क पड़ जाता है बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, तो इस तरफ को डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस वास्ता का वैसा ही खड़ा है, समझ रहे हो, तो एक बार आपने 400 मीटर तय कर लिया, आप वहीं पे खड़ गए हो 10 मिनट, उसके बाद चलना शुरू किया आपने, और यहां से सी से डी में ये फिर से कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, आर यू गेटिंग इट, तो जिन्होंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला है इसको, वो गलत है बेटा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का मोशन इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ओके, गॉट इट, लग गई समझ, तो इजी है ना फोर्सेस, अरे बहुत इजी है फोर्सेस तो। चलो सो वेलोसिटी का क्या मतलब, क्या अभी हमने स्पीड के बारे में पता चला कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जब हमारे पास होएगी डिवाइडेड बाय टाइम तो हम उसको बोलेंगे, वी विल कॉल दैट वेलोसिटी, समझ रहे हो, अब वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर है मतलब ये किस पे ऊपर डिपेंड करती है कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है, तो हमेशा वेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, सॉरी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, यस, नो नो बेटा श्रुति, दैट इज नॉट नॉट यूनिफॉर्म, वी विल कॉल दैट कि फर्स्ट एंड उसका यूनिफॉर्म था, ये देखो फर्स्ट एंड ए से बी इट इज यूनिफॉर्म, बी से सी इज कॉन्स्टेंट डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब स्पीड इज जीरो, ओके, और उसके बाद फिर से सी से डी है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, जो
जो नॉन यूनिफॉर्म होता है बेटा वो बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर समझ, अगर ये बिल्कुल सीधा होता इस तरह से तो ये बन जाता यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या, पहले सीधा गया, फिर ऐसे गया, फिर सीधा गया, तो ये जो सीधा जा रहा है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके सामने यहाँ पे और यहाँ पे, दीज ऑल आर यूनिफॉर्म मोशंस। बीच वाला इज कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। यस, बिल्कुल यही तो बात कर रहा हूं बेटा, कि इसने क्या किया है यहाँ पे आके वो खड़ गया। खड़ गया मतलब वो रेस्ट लिया, बी से सी वो रेस्ट पे है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, जीरो। वेलोसिटी क्या है, जीरो। ओके, वो खड़ गया वहां पे, रेस्ट लिया। जैसे हम नहीं जाते, जाते हैं तो बस भी रुकती है 10-15 मिनट कहीं पे ना कहीं, जब आप लंबे डिस्टेंस पे जा रहे हो तो उसकी स्पीड तो जीरो होगी, हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे, जीरो। ठीक है, डन बेटा, चले आगे। ओके ओके, नहीं, दिस इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग बेटा। ओके, नो बॉडी विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बता देता हूं मैं, इट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। सो अगर अर्थ की स्पीड की बात करें तो मैं उसको बोलूंगा कि इतने घंटे, इतना डिस्टेंस वो 1 घंटे में तय कर लेती है, 1670 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर अर्थ की वेलोसिटी बोलने इक्वेटर पे, तो वो बोलूंगा किसकी तरफ को, अगर डायरेक्शन भी दे दूंगा तो वो किसकी तरफ को मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ को मूव करती है, ठीक है। धरती ईस्ट की तरफ को मूव करती है, इसलिए सूरज आपको ईस्ट से चढ़ता हुआ चलाई देता है, सुना दिखाई देता है। चले आगे बेटा। ओके, डन डन डन, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़ा सा आपको दिमाग। स्पीड और वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहने का क्या मतलब है कि हमेशा नहीं, जाहिर नहीं है कि हर बार जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल होएगी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। एक बंदा अपने घर से 100 मीटर की दूरी पे जाता है शॉप पे कुछ लेने के लिए, ठीक है। वो ये डिस्टेंस 100 मीटर का 50 सेकंड में कवर करता है, 100 मीटर का। क्या मेरे को आप इसकी वो बता सकते हो कितनी आएगी इसकी स्पीड? यू नो इट इज 2 मीटर्स पर सेकंड। 50, 100 को 50 से डिवाइड कर दो। अगर मैं बताता हूं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूं, मैं कहता हूं कि ये बंदा ईस्ट की तरफ 50, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है ईस्ट की तरफ को। अब बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डिवाइडेड बाय 50 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम आ गई। आप बोलो सर ये वेलोसिटी और ये तो सेम ही रहेंगी हमेशा, तो फर्क कहाँ पड़ेगा, वेलोसिटी और स्पीड तो हमेशा इक्वल ही रहेंगी। नहीं बेटा, अब मैं उसी एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूँ। उसी एग्जाम्पल को चेंज कैसे किया, ऐसे मैंने कहा कि बंदे ने पहले 100 मीटर दूर गया शॉप से, शैम्पू लेके आया और वापस आके नहा लिया, ठीक है। टोटल टाइम जाने और आने का लगा 100 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 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 इज 200, 200 डिवाइडेड बाय 100, तो स्पीड तो सेम ही रही, ठीक है। बट अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, घर से चला, घर से गया, ठीक ना, घर से चला और घर पहुंचा, उसी जगह वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डन। अगर ये यहां पे ना आके यहां पे, अगर इसका दोस्त का दूसरा घर होता 10 मीटर की दूरी पे, इसके 10 मीटर की दूरी पे इसका दोस्त का घर है, ये यहां पे आके इस इधर चले जाता, तो व्हाट वुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर्स। बट क्योंकि ये जहां से चला है वहीं पे पहुंच गया है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, जीरो। और इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड तो वही रहेगी, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। डन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है बेटा, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है? यस, रिटर्न्ड बैक द सेम पाथ। ओके ओके, तो जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस और वो स्पीड सेम रहे, तो ये हमें इस चीज से पता चलता है। आगे चलते हैं, हम एक और कंसेप्ट करते हैं, फिर आपको मैं एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा। सपोज मैं ये जो जैसे आता है ना कर्व सी आती है गाड़ी, आपने राउंड अबाउट पे गाड़ी घुमाई है कभी, गाड़ी चलाते होंगे ना लोग। जैसे अगर मैं गाड़ी घुमा रहा हूं यहाँ पे, इस तरफ को घुमा रहा हूं,
अगर मेरी स्पीड 45, मैं 45 से पीछे आ रहा था, मैंने स्पीड चेंज नहीं की, लेकिन जब मैं इसको इस तरफ को मोड़ूंगा ना बेटा, अगर 45 पे ही मोड़ूंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा लगेगा एकदम से कि यार बड़ी तेज है गाड़ी, एकदम से स्पीड कैसे होगी। मैंने देखा कि मैंने पीछे से 45 किलोमीटर से आ रहा हूं, लेकिन जैसे ही मोड़ आया, साइकिल पे घुमा रहा हूं उसको, तो आपको लगेगा कि एक फोर्स आपको ऐसा लग रहेगा एकदम से स्पीड हो रही है गाड़ी, है ना। तो फिर आप स्पीड कम करते हो, ठीक है ना। डन, ये समय लगा कुछ? ठीक है, तो वेलोसिटी हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे क्या, अगर इसमें अगर हम स्पीड तो सेम रही, ठीक है, अगर स्पीड सेम रहती है तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यही चीज हमने देखनी है, ठीक है। तो अगर हम चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी या चेंजिंग द कॉन्स्टेंट स्पीड बट चेंजिंग द डायरेक्शन, ओके, बोलो 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 संजय नाहर, बोलो बेटा, क्वेश्चन बता लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ, पूछ लो क्वेश्चन। हाँ जी, वी नो इट इज 60, 1670। हाँ तो डायामीटर ऑफ द अर्थ, उसके लिए आपको सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए, टोटल अर्थ का सर्कमफ्रेंस क्या है, ठीक है, स्पीड नहीं, सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द डायमीटर। ठीक है, चले आगे। 24 क्यों करोगे बेटा? अच्छा, 24 डिस्टेंस कवर करती है 24 घंटे में, हाँ ठीक है, ठीक है, चले आगे। नहीं बेटा, इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं होती, 2πr का फॉर्मूला लगाओ, आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ होना चाहिए, फिर आप पता लगा सकते हो, ठीक है ना, 2πr सर्कमफ्रेंस होता है जो, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ, मैं बताऊंगा पीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते थे हम, और हर एक डिग्री में अगर 360 डिग्री है हमारे पास, टोटल अर्थ 360 डिग्री है, तो हर एक डिग्री में 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर चलते हैं हम, 111 किलोमीटर, तो आप मल्टीप्लाई करना पड़ता है कुछ इस तरह से, ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 360 × 111, तो दैट इज द एग्जैक्ट आंसर, ओके। चलो आगे चलते हैं, तो हम ये बात कर रहे थे कि हम 45 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं, ठीक है, तो 45 यहाँ पे है, जब ये मुड़ रही है तब भी 45 में, तो स्पीड में तो चेंज नहीं रखा, मैंने क्या किया, कॉन्स्टेंट स्पीड रखी है, ठीक है, स्पीड कॉन्स्टेंट रखी है, बट मैंने क्या कर रहा हूं कि फिर भी मेरे को लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे क्यों बढ़ेगी, या बढ़ेगी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे हर एक एंगल पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। इसको इस तरह से समझो, अगर एक गाड़ी रेस लगा रही है, ठीक है, तो जैसे मोड़ कर, जैसे अभी डायरेक्शन इसकी ये है, नेक्स्ट डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, नेक्स्ट डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, फिर इसने मोड़ लिया, हर एक एंगल पे देखो इसके डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। देन व्हेन देयर इज चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी टर्न, वी कॉल इज दैट स्पीड इसकी सबकी, चाहे 45 भी आपने रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर, बट इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है। यस, रेसी कार में तो आप वो स्किडिंग नहीं करते, तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी विल बी डिफरेंट एट हर एक एंगल पे, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी बट इसकी स्पीड सेम। लग रहे, स्पीड आपने ध्यान से देख रहे हो, 45 किलोमीटर के आप एक भी ऊपर रेस नहीं दे रहे हो, 1 मीटर भी ऊपर, ठीक है ना, बट क्या है कि हर एक एंगल पे आप मोड़ रहे हो उसको, आपको हैंडल तो मोड़ना पड़ेगा ना, अगर आप हैंडल नहीं मोड़ोगे तो ये सीधी कार 45 मीटर से आगे निकल जाएगी, ये यहाँ वाली यहाँ पे निकल जाएगी, ये वाली इधर को निकल जाएगी, अगर आप अपना हाथ से एंगल चेंज नहीं करोगे गाड़ी का। जो गाड़ी चलाते हैं जब वो राउंड बाउट पे आते हैं, उनको ये देखने को मिलता है, उनको गाड़ी को मोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गाड़ी सीधी रखेंगे तो टकरा जाएंगे राउंड बाउट से। अब लगा पता है आपको कि क्यों राउंड बाउट बनाए जाते हैं, ये जैसे गोलदायरे से नहीं होते, चौक बनाए जाते हैं, तो चौक बनाने का ये भी काम होता है कि आप स्पीड स्लो करो अपनी, ठीक है, चारों तरफ देखो और स्पीड स्लो करो, ठीक
ठीक है, अगर स्पीड तेजी से, अगर मैं 90 डिग्री पे आ रहा हूँ, 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा हूँ, और एक 45 बंदा 45 से आ रहा, 45 किलोमीटर पर आवर से, तो खुद सोचो आप राउंड अबाउट है उस पे आपने गाड़ी मोड़नी है, किस पे आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे, 45 किलोमीटर पर आवर या 90 या 100 किलोमीटर पर आवर, खुद सोचो 45 पे, क्योंकि आपको जब मोड़ना है ना बेटा, तो स्पीड आपकी वेलोसिटी चेंज हो जानी है, वेलोसिटी बढ़ जानी है एकदम से, स्पीड वही रहेगी, आप 100 से पीछे आ रहे हो, 100 से आप आगे जा रहे हो, बट जब राउंड अबाउट आएगा तो वो स्पीड आपको एकदम से तेज होती लगेगी, सॉरी नॉट स्पीड, वेलोसिटी। डन बेटा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस चीज को ध्यान से समझना, कहता कि वेलोसिटी को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो आप अपनी स्पीड को चेंज कर दो यानी कि तेजी ले आओ, ठीक है, या फिर आप अपना स्पीड को सेम रखो, बस डायरेक्शन को चेंज कर दो, ठीक है। यस यस, ऑन सर्कुलर रोड्स, ऑन कर्व रोड्स, ठीक है, यहां पे आप चेंज कर सकते हो। ओके अच्छा, जब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, यानी कि वेलोसिटी दैट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको जब डिवाइड करेंगे टाइम के साथ में, यानी कि मैं रेस देने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जब आप किसी चीज को रेस देते हो बेटा, ध्यान देना, जब आप किसी चीज को रेस देते हो, व्हाट आर यू इंक्रीजिंग, व्हाट आर यू इंक्रीजिंग, इट्स वेलोसिटी, ठीक है, इट्स स्पीड यू आर इंक्रीजिंग, ठीक है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, आपने 25 से 50 कर दी, तो व्हाट आई हैव आई इंक्रीज्ड, 25 से 50 आई हैव इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, ओवर टाइम भी बोलोगे कि पहले मेरे पास 1 घंटे में मैंने 25 चलाया, अगले घंटे में मैंने 50 चलाया, तो 2 घंटे में, ठीक है जी। ओके, 2 घंटे में अगर आप स्पीड चेंज करते हो, या 2 मिनट में चेंज करते हो, या 2 सेकंड में चेंज करते हो, दैट विल डिपेंड एक्सेलरेशन उसकी कितनी, रेस कितनी दी आपने गाड़ी को, ठीक है, ये समझ रहे हो। और अगर मैं 25 पे ही रख रहा हूं, मैंने कभी ऊपर किया ही नहीं, आगे ज्यादा रेस दी नहीं है, तो आई एम ट्रेवलिंग विद, एक्सेलरेशन कितनी है मेरी, अगर मैंने 25 पे चला रहा हूं और मैंने अपना घर से यहां तक का डिफरेंस, ऑफिस तक का डिफरेंस 25 स्पीड पे ही रखा, एक बार भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं की, कोई ब्रेक नहीं लगाई, व्हाट इज माय एक्सेलरेशन, इट इज 0। यू नो, जब तक आप स्पीड या वेलोसिटी को चेंज नहीं करोगे, रेस नहीं दोगे, तो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट विल बी 0। ये समय लग गया बेटा, डन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज यू नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है जी, डन। वी कैन चेंज अवर वेलोसिटी इन 3 वेज, अगर स्पीड को अप कर दो तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होएगी, वेलोसिटी को स्लो कर दो तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होएगी, और चेंज इन डायरेक्शन कर दो, याद है चेंज इन डायरेक्शन, जब चेंज इन डायरेक्शन करोगे, सीधे जाते जाते 90 डिग्री पे कट मार दिया, या सीधे सीधे जाते जाते राउंड अबाउट हुए, हर एक एंगल पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो हर एक जगह पे एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगी। डन बेटा, ठीक है, तो आप वेलोसिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज वेलोसिटी इन 3 वेज, आइदर आपने रेस बढ़ा दी है तब भी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, फाइनल जो भी, अगर आप फाइनल वी मानते हो तो माइनस इनिशियल यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो आपकी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जब आपने शुरू की थी, सपोज मैंने 0 से शुरू किया, ठीक है, और मेरी 25 डिग्री, 25 किलोमीटर पर आवर से पहुंच गई, तो मेरा क्या होएगा, कितने में, 3 3 सेकंड में पहुंच गई, 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, चलो अगर 5 कर लेते हैं, तो कितनी मेरी एक्सेलरेशन आएगी, 5 मीटर पर सेकंड, यू गेट इट, ठीक है ना, लग गई समझ। इसी तरह से अगर मैं 25 पे चला रहा हूं, अब मैंने जब देखा कि 25 पे चला रहा हूं और एकदम से मैंने 0 कर दी,
ठीक है ना, ब्रेक लगानी पड़ेगी मेरे को, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या आएगी, एक्सेलरेशन फिर भी आएगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुई, 5 सेकंड में मैंने ब्रेक लगाई है उसको, तो मेरी एक्सेलरेशन फिर से आएगी कितनी, सेम, बट आंसर क्या आएगा, -5। लग गई समझ, फाइनल क्या है, जीरो। ठीक है, माइनस किससे करना है, इनिशियल से, इनिशियल कितनी है 25, सो 0 -25/5 डाल लूं, ठीक है, तो आ जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पर साइन क्या है, देखो माइनस का, जब माइनस का साइन होता है हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं हम इसको, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है, स्लो कर देना, ब्रेक लगा देना, रिटार्डेशन, गुड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा। तो देखो अगर मैंने गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर से 60 कर दी है, तो आई हैव इंक्रीज इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं गाड़ी को कट मार रहा हूं 60 डिग्री से, 60 किलोमीटर से, तो यहां पे भी 60 किलोमीटर ही रहा है, तो स्पीड रिमेन्स द सेम, बट इस एंगल पे जब मैंने एक राउंड अबाउट पे 60 के ऊपर कट मारा, ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है मेरे पास, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है बेटा, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। आर यू गेटिंग इट, तभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं मोड़ रहा हूं कि ये 60 पे नहीं, शायद गाड़ी 90 पे चल रही है, तभी आप ब्रेक लगाओगे फिर, ताकि आपके हाथ से गाड़ी निकलना चाहिए, इसीलिए, ताकि आप 100 की डिग्री पे, 100 100 मतलब 100 की स्पीड से ना चलाओ गाड़ी राउंड अबाउट पे, नहीं तो वो उलट सकती है गाड़ी, इतनी स्पीड आ जाती है उसमें, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और हर जगह में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वी आर एक्सेलरेटिंग। ओके डन। थर्ड तो आपको पता ही, अगर आप 60 के जा रहे हो और कोई आगे बाधा आ गया, या तो आपने जीरो कर दिया वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे भी होएगी, बट कौन सी एक्सेलरेशन होएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं आप, रिटार्डेशन। डन बेटा, इट्स इजी, बस आज हम ग्राफ करके बंद कर देंगे बस, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, ये बताओ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स, ग्राफ को समझने की कोशिश करो। रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक लगा रहे हो आप, देखो यहां से ऊपर ए से, अगर मैं बोलूँ ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो इसका कौन सी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब आप स्पीड आप बढ़ा रहे हो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बाइक की, एकदम ऐसा आया आपने 7, या जब आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर्स पर सेकेंड पहुंची, उसके बाद आपने कांस्टेंट वेलोसिटी कर दी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और ये कौन सा ग्राफ है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब वेलोसिटी वी डिवाइडेड बाय टी होगा, तो आपके पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन, ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसने एक्सेलरेशन दी नहीं है, समझो, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इसने एक्सेलरेशन दिया, तभी तो इतनी स्पीड पहुंची है, ठीक है, और स्पीड अब यहां पे चेंज नहीं हो रही, इसलिए एक्सेलरेशन बी टू सी इज जीरो, सी टू डी इज अगेन रिटार्डेशन, अब उसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, डन, इट्स ओके, सिंपल। नाउ गिव मी दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ओ टू ए, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम, इसको स्पीड मत समझो, इसको वेलोसिटी समझो, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज अकरिंग फ्रॉम जीरो टू ए, लिख लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस, जितना आप स्पीड दे रहे हो, मतलब पहले 5 किलोमीटर मैंने 10 की स्पीड से, फिर अगले स्पीड फिर और बढ़ा दी, फिर और बढ़ा दी, फिर और बढ़ा दी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है, सीधी स्पीड नहीं बढ़ाई, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है जी, तो
इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, व्हाट इज अकरिंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में क्या हो रहा है, ध्यान से बताना, ध्यान से. एक्सेलरेशन इज, अभी हम करके आए हैं, जीरो. दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ, इट्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज जीरो. व्हाट फॉर बी टू सी में क्या हो रहा है, ठीक है, रिटार्डेशन. व्हाट इज अकरिंग ओवर हियर, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज, very good. What is it, uniform? Good, good, good. ये समय लग रहा है, ग्राफ समझो बस, ये भी समय लग रहा है. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कभी बढ़ा दी कभी कम कर दी, कभी बढ़ा दी कभी कम कर दी. नॉर्मली हम लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के थ्रू ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे शहर में अगर आपको चलना होगा तो आपको हर दूसरी जगह पे ब्रेक मारनी पड़ेगी, ठीक है, कभी तो गाय भैंस ही आगे आ जाते हैं, ठीक है, तो हर जगह पे आपको ब्रेक मारनी पड़ रही है, एक्सेलरेशन करना पड़ रहा है, ब्रेक मारनी पड़ रही है, तो इट्स काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ मोशन. ओके, डन, दिस इज रिटार्डेशन, ये भी समझ आ रहा है आपको. ओके, गुड गुड गुड. तो बस बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विद फोर्सेस, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स आर देयर. आज हमारे बेसिक मोशन कर दिया है, ठीक है यार, इतनी जल्दी बाय बोल देते हो यार, थोड़ा सा बात तो सुन लिया करो, तुम तो भागने के लिए रेडी रहते हो. हाँ अभी सुन लो कुछ. हाँ हाँ, तो नेक्स्ट वी विल डील विद मोर फोर्स. व्हाट आर द फर्स्ट मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, पल्स, इंपल्स, मोमेंटम थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स के संकेत इससे ही कि हाफ आर और ले लो सर. ले लूं, आर यू देयर विद मी, इंग्लिश क्या, नहीं सर, नहीं सर. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल डील विद दिस. आई तो नेटवर्क उस पर भी चल रहा है, मेरा लेक्चर तो भाई लाइव चलेगा, मैं अपना लेक्चर नहीं कभी भी करूंगा, आप मेरे लेक्चर में YouTube पे भी देख सकते हो, अभी भी जाके देख सकते हो, चल रहा है वहां पे, अच्छा चल रहा है ना YouTube वालों. है ना, सही चल रहा है, तो मेरे तरफ से तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा बेटा, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट, ठीक है जी. तो कल हम ट्राई करेंगे कि ये सारा कुछ खत्म कर दें मैक्सिममली जितना हो सके हमारे पास, ठीक है, नैन जो थोड़ा सा रह जाएगा वी विल कवर इन नेक्स्ट वन और टू लेक्चर्स, देन वी विल. इसमें बहुत बड़ा लेक्चर है क्योंकि बेटा इसमें मैंने ऑर्बिट्स भी डाली हुई हैं, आपका साइंस एंड टेक का पार्ट है बहुत, इसमें इंडिया में कैसे ग्रोथ हुई थी, क्या कहते हैं अपना ऑर्बिट, कौन कौन से हमने सैटेलाइट भेजे थे, कौन कौन सी ऑर्बिट्स होती हैं हमारे पास, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैंने बनाया है, ठीक है. ओके सो ठीक है बेटा, ओके, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम कल मिलते हैं इसके बारे में. ओके बेटा, बाय, ठीक है, ओके ओके, बाय बाय.